डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी, बहुत समसामयिक विषय आज आपने उठाया है और मैंने पिछले सप्ताह भी आपका जो डिस्कशन था वो पूरा सुना था और मुझे आज आपकी बात से और डॉक्टर सान्याल की बात से ऐसा लगा कि हमारे बहुत से विद्यार्थी भी आज जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से और अलग-अलग प्रोफाइल के लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा अपना मानना ये है कि हम जब साइबर क्राइम की बात करते हैं तो उसको आइसोलेशन में बात न करें। हमारे विद्यार्थी भी हैं तो उन्हें समझना चाहिए कि साइबर क्राइम की बात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं कि 2-3 मिनट में मैं इसकी पृष्ठभूमि बताऊं और उसके बाद फिर हम लोग इस विषय पर आए तो वो बहुत समसामयिक होगा। हम 3 टर्म्स का इस्तेमाल बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, पहला साइबर स्पेस का, दूसरा साइबर सिक्योरिटी का और तीसरा साइबर क्राइम का। हमारे विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि ये जो साइबर स्पेस है, जो डिजिटल एनवायरनमेंट है हमारे ट्रांजेक्शन्स का, इसके एलिमेंट्स क्या हैं और हम क्या एक्टिविटी वहां करते हैं जिसको थ्रेट है आगे चल के, जिसके साथ अपराध हो सकता है। हम बड़ी सरल भाषा में अगर अपनी बात को रखें तो ये जो साइबर स्पेस है ये मुख्य रूप से कंप्यूटर, नेटवर्क और इंटरनेट से मिलकर बनता है। एक बड़ी व्यापक परिभाषा है ये साइबर स्पेस की। हम इसके विस्तार में नहीं जा रहे, आज विषय नहीं है हमारे बात करने का, लेकिन हम ये जरूर याद दिलाना चाहते हैं अपने सभी उपयोगकर्ताओं को, चाहे वो विद्यार्थी हों या अलग-अलग क्षेत्रों से आ रहे हैं, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं कि साइबर स्पेस पर हम मुख्य रूप से 4 काम करते हैं। पहला काम हम करते हैं कंटेंट क्रिएशन का, दूसरा काम करते हैं किसी भी कंटेंट को सेव करने का, तीसरा काम करते हैं उसको ट्रांसमिट करने का और चौथा काम करते हैं जो चीज हमने पहले सेव कर रखी है उसको एक्सेस करने का। तो मोटे तौर पर जितनी भी एक्टिविटी हम इस साइबर स्पेस में कर रहे हैं वो 4 प्रकार की हुई। डेटा क्रिएशन की, उसको सेव करने की, उसको ट्रांसमिट करने की और उसके बाद उसको एक्सेस करने की। और अगला प्रश्न आता है कि ये कौन कर रहा है ये काम? तो हम आप जैसे इंडिविजुअल्स कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स कर रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम हो रहा है। कहने का तात्पर्य ये कि जो साइबर स्पेस है उसके उपयोगकर्ता व्यक्ति से लेकर और संगठन तक हैं। अब जब हमने ये बात समझ ली कि हम साइबर स्पेस में क्या काम कर रहे हैं, तो अगला प्रश्न आता है कि इसके साथ इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, जो हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो आप मेरी बात से सहमत हो रहे होंगे कि क्योंकि इसके उपयोगकर्ता अलग-अलग हैं तो इसका जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट है वो भी अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में होगा, अलग-अलग करस्पॉन्डेंस में होगा, इंडिविजुअल के से लेकर और राष्ट्र तक, ऑर्गेनाइजेशन तक, इंस्टीट्यूशन तक। तो हम सिक्योरिटी में क्या कर रहे हैं, हमारी जो 4 ये चीजें थी, हम डेटा क्रिएशन करते हैं, सेव करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, एक्सेस करते हैं, ये हम सुरक्षित कर पाए, इसकी जो व्यवस्था है वो साइबर सिक्योरिटी है। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सुरक्षित डेटा है वो परिवर्तित ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, डिसरप्ट ना हो जाए, इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसको जो रोकने की प्रक्रिया है वो हमारी साइबर सिक्योरिटी है। यहाँ एक बात और आपका ध्यान चाहता हूं, एक और पक्ष पर, कि इस साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के टूल्स हैं, 3 प्रकार के तरीके हैं। पहला तरीका है टेक्निकल सॉल्यूशंस। वो टेक्निकल सॉल्यूशंस क्या हो जिससे कि हम इस पूरी व्यवस्था को सुरक्षित रख सकें। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है कानून। लॉ क्या है, पॉलिसीज क्या है, रेगुलेशंस क्या है, एक्ट्स क्या है, एक सेट ऑफ थिंग्स जो इसको सुरक्षित रखने में हमको गाइडलाइन देते हैं, जो गवर्नमेंट के लेवल पर नॉर्मली होता है। इंटरनल पॉलिसीज भी हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस की, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग गवर्नमेंट के लेवल पर होता है। और तीसरी बात आती है साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, जहां इंडिविजुअल जो ह्यूमन अलर्टनेस है, जहां साइकोलॉजी की बात भी आ जाती है, जहां
अलर्टनेस की बात आती है, अवेयरनेस की बात आती है। आज हम लोग जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो तीसरा हिस्सा है। आज हम पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, आज हम जो हमारी टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं उनकी बहुत बात नहीं कर रहे। हम आज का विषय जो हमने लिया वो लिया कि इस साइबर स्पेस में, इस साइबर सिक्योरिटी के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं उसको क्या करना चाहिए। और आज तो नरेंद्र जी ने और एक स्पेसिफिक विषय उठाया है, मैंने उनसे अनुरोध भी किया था कि हम एक विषय लें और उस पर विस्तार से बात करें जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो उससे रिलेट कर सकें, अगर वो खुद कभी उससे पीड़ित रहे हैं या कभी उनके साथ अटेम्प्ट हुआ है या उन्होंने कहीं पढ़ा है तो उस बात को बड़े विस्तार से वो समझ सकें। इस पृष्ठभूमि के साथ मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ और मैं नरेंद्र जी से अनुरोध भी करता हूँ कि जब वो चाहें तो मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं या कोई प्रश्न रखना चाहें तो अलग से प्रश्न रख सकते हैं। मैं केवल अनुभव के आधार पर, जैसे हम लोग अगर बात करेंगे, यहाँ तमाम विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, सुरेश मेनन साहब हैं जिनका बड़ा लंबा अनुभव है, मेरा इंटरेक्शन उनके साथ होता रहता है, तो हम लोग बहुत बार साइबर क्राइम के टाइप्स की बात करते हैं। साइबर क्राइम किस प्रकार का है, तो फिशिंग है, विशिंग है, फार्मिंग है, स्टॉकिंग है, बुलिंग है, एक्सटॉर्शन है, रैंसमवेयर है, तमाम तरह के साइबर क्राइम्स हैं। वो क्या है, जिस प्रकार से वो क्राइम हमको दिखाई देता है वो हम नाम दे देते हैं उसको, हम उसके बैकग्राउंड में नहीं जाते। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर, मैं लगभग 2001 से साइबर क्राइम्स को डील कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, इसको ग्रो करते हुए हमने देखा, इसके सॉल्यूशंस कैसे पुलिस से निकाले उसको भी हमने नजदीक से देखा। तो मैं अगर इस सभी को जोड़ दूं और आपके सामने केवल चार प्रकार के अपराध रखूं जहां पर हमारे विक्टिम कैटेगराइज हो सकते हैं, तो पहला कैटेगरी है जहां पर इरिटेट करने, टीज करने, मिस्चिफ करने, डिसरप्ट करने के लिए अपराध होता है, वो पहली कैटेगरी है। वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और वो राष्ट्र भी हो सकता है। अगर टेररिज्म के माध्यम से वो चीज डिसरप्शन का किया जा रहा है तो वो राष्ट्र आ जाएगा। अगर किसी को परेशान करने के लिए, बुलिंग के लिए किया जा रहा है तो वो इंडिविजुअल हो जाएगा। कोई इरिटेट करने के लिए किया जा रहा है तो इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो जहां किसी की रेपुटेशन खराब करने के लिए, जहां कॉम्पिटिटिवनेस है, ऐसे तमाम केसेस साइड किए जा सकते हैं, या डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, मेडिकल कंपनीज हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के मार्केट को कैप्चर करने के लिए भी साइबर क्राइम का इस्तेमाल किया गया। जो तीसरी बड़ी कैटेगरी है वो कैरेक्टर या रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने के लिए, और दुर्भाग्य से इस साइकोलॉजी के पीछे हमारी जो बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो सबसे ज्यादा विक्टिमाइज होती हैं, जो हमारी ये तीसरी कैटेगरी है। और जो चौथी सबसे व्यापक कैटेगरी है वो इलिसिट तरीके से पैसा अर्न करने के संबंध में जो साइबर अपराध किए जाते हैं, टू गेन इलिसिट मनी। तो ये तो हो गए चार कैटेगरीज, हो गई ब्रॉड कैटेगरीज हो गई, जिसमें सैकड़ों उदाहरण यहाँ बैठे हुए तमाम विशेषज्ञ दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। हर कैटेगरी के अलग अलग शेड्स, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग उदाहरण, और वो कैसे वर्कआउट हुए, ये सारी चीजें रखी जा सकती हैं। आज का हमारा जो विषय, अभी विषय प्रवर्तन करते समय नरेंद्र जी ने कहा, वो मुख्य रूप से आज का सेक्सटॉर्शन है, जिसको एक टर्म यूज किया जा रहा है साइबर क्राइम में, उसको हम कहते हैं सेक्सटॉर्शन। सेक्सटॉर्शन क्योंकि आज समय है हमारे पास बात करने का, डिस्कस करने का, और भी एक्सपर्ट्स को हम लोग सुनेंगे, मैं केवल इस विषय का विषय प्रवर्तन कर रहा हूं और फिर मैं चाहूंगा और लोग भी पार्टिसिपेट करें इसमें। एक विशेष प्रकार का अपराध जहां कोई आदमी अनचाहे तरीके से आपसे संपर्क करना चाहता है और उस क्षणिक संपर्क का दुरुपयोग करता है एक्सटॉर्शन के लिए। ये जो संपर्क है ये इंटीमेट संपर्क है, इसीलिए इसको सेक्स एक्सटॉर्शन, सेक्सटॉर्शन कहा गया कि कोई आदमी जबरन आपसे, आपको सम्मोहित करके, आपको थोड़ी देर के लिए विस्मित करके आपसे इंटीमेट संबंध बनाता है, या बनाने का मतलब डिजिटल फ्रेम में बनाता है और उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करता है और आपको बाद में चीट करने का प्रयास करता है। मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये मिसनॉमर है कि ये अपराध केवल पुरुषों के साथ होता है, ऐसा नहीं है। मैं लखनऊ के उदाहरण दे सकता हूँ जहां महिलाओं के साथ भी ये अपराध हो रहा है। महिलाओं के साथ नग्न पुरुषों की फोटो होती है,
और उनके लिए तो और ज्यादा, महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो जाए, ऐसी रिकॉर्डिंग हो जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे समाज में उनके लिए और अधिक समस्या हो जाती है। तो दोनों ओर से है, और इसमें मुख्य रूप से वीडियो कॉल के माध्यम से किसी से संपर्क करना, उससे उसको सम्मोहित करने का प्रयास करना, और दुर्भाग्य से जो हमारी बुजुर्ग लोग हैं, वो जो भी साइकोलॉजी है मैडम बेहतर बता पाएंगी, उनकी आवश्यकताएं, उनकी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं इस प्रकार की, कि वो ज्यादा आसानी से ल्योर हो जाते हैं। कॉल करने वाली लड़की बहुत सामान्य दिखने वाली, वो आपको जब पहली बार फ्रेम पर आएगी तो आपको कोई पोर्नोग्राफिक फिगर नहीं दिखाई देगी, वो सामान्य लड़की होगी, लेकिन वो आपको परसुएट करती है, वो कहती है कि आप इस समय घर पर होंगे, आपके परिवार के सदस्य होंगे, अगर आपको कुछ इंटीमेसी चाहिए तो आप अपने वॉशरूम में आइए, और वॉशरूम में हम लोग बात करते हैं, और वो आदमी फोन लिए हुए वॉशरूम में आता है, वॉशरूम में वो अपने आप को अनजिप करती है लड़की कैमरे पर, और उत्तेजित करती है देखने वालों को कि वो भी अनजिप करे, या जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी डिजिटली फ्रेम पर कर सकता है वो एक्टिविटी करे। और मेरा जो अनुभव है, जो केसेस आते हैं बहुत बार, वो क्लिप्स भी देखने को मिलती हैं, लोग दिखाते हैं अपनी क्लिप्स, तो 30 से 40 सेकंड से ज्यादा ये मूर्खता किसी के दिमाग में रह नहीं सकती। 30 सेकंड के अंदर ही उसको ये रियलाइज होने लगता है कि मैं निहायत बेवकूफी का काम कर रहा हूं, और उसके बाद वो चीज खत्म हो जाती है, और फिर उस आदमी के पास कॉल आता है कि आपने किसी, अगर वो लड़की स्वयं कॉल करती है तो कहती है कि मैंने ये वीडियो एक रिकॉर्ड कर लिया है, और हम इसको पब्लिक सोशल नेटवर्क नेटवर्किंग साइट्स पर अपलोड कर देंगे, और पैसे की मांग करती है, और अधिकांश बार क्योंकि ये गिरोह की तरह से ये सारा काम होता है, तो वो तत्काल एक पुलिस इंस्पेक्टर, सीबीआई का इंस्पेक्टर, 30,000 से एक पॉपुलर नाम है जो आपने अक्सर सुने होंगे, वहां से कॉल आता है, वो अपना आईडी भेज देता है आपको व्हाट्सएप पर, और आपको दबाव में लेता है कि इसको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा, वरना आप 38,640 रुपए दीजिए, वो ऐसा रफ फिगर बताता है, अगर आपने 24 घंटे में नहीं दिया तो 2 गुना पैसा हो जाएगा, इस तरह की बातें करता है और आपको दबाव में लेने का प्रयास करता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा तक हो गया तो करना क्या है। मैं अपनी बात को समाप्त कर दूं, उसके बाद फिर और हमारे सहयोगी इस विषय पर आएंगे। तो पहला स्टेज ये है कि बहुत से लोग इतने पर ही पैसा दे दे रहे हैं, लेकिन मेरा आप सभी को सुझाव है कि पहली बात तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा स्लिप नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर स्लिप हो भी जाता है तो अब इस बात को बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक विजय नाम का आदमी है जिसके साथ ये दुर्घटना हो गई, तो जो लड़की है या उसके साथ गैंग में काम करने वाला आदमी है, वो एट द बेस्ट ट्रू कॉलर से विजय नाम पढ़ सकता है, जान सकता है, इसके अलावा आपके बारे में कोई जानकारी नहीं रख सकता। अब तक वो आपके ऊपर कोई सोशल दबाव नहीं बना पा रहा, केवल आपको थ्रेट कर रहा है कि हम ऐसा कर देंगे। अब वो अगली चाल चलता है, जब आप नहीं मानते हैं उसकी बात, तो वो कहता है कि मिस्टर विजय, जो आपका वीडियो है ये मैं आपको इसका लिंक भेज रहा हूं, आप देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए कि आपने क्या हरकत की है, क्या शर्मनाक हरकत की है आपने। अब क्योंकि विजय ने वो काम किया हुआ है, उसके दिमाग में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज है, तो वो तुरंत चाहेगा कि हम इस लिंक को खोल के देखें कि इसके ये क्या रिकॉर्ड कर पाया, उसकी उत्सुकता होती है, और जैसे ही उस उत्सुकता को पूरा करने के लिए उस क्लिक को क्लिक करता है, खोलता है, तो वही वीडियो प्ले होता है जो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उस लिंक के साथ एक मैलवेयर है जो आपके फोन को थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लेता है, हैंग कर देता है, हैक कर लेता है, और सबसे पहला काम वो हैकर करता है या वो परपेट्रेटर करता है कि आपके मोबाइल फोन की फोन बुक वो कॉपी कर लेता है, पूरी पूरी फोन बुक कॉपी करने के बाद वो आपका फोन रिलीज कर देता है, और आधे घंटे बाद अब वो आपको दोबारा विजय को कॉल करता है, विजय के फोन में मामा जी, चाचा जी, मामी जी, मौसी जी, अमित भाई, वीरेंद्र भाई, गुरु जी, ये जो नंबर लिखे हुए हैं। अब जब वो अगली बार कॉल करता है तो विजय से कहता है कि क्यों भाई, मामी जी को फोन करके ये लिंक भेजूं आपका, आपको फलाने को ये करके भेजूं। अब विजय वास्तव में दबाव में आ जाता है, क्योंकि अब उसके नियर एंड डियर के पास ये लिंक जाने की संभावना आ गई है,
इसलिए उसके लिए ये ज्यादा खतरनाक और दिक्कत की स्थिति है, और ये वास्तव में किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति की प्रेस्टीज के लिए ये एक सच में दिक्कत शुदा चीज है। तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको आप अपील करना चाहता हूं कि अव्वल तो आपको वीडियो कॉल से बचना चाहिए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप उस चक्कर में आ गए हैं तो निश्चित रूप से आपको अगले स्टेप से तो बचना ही चाहिए। आप किसी भी स्थिति में अननोन नंबर से भेजा हुआ लिंक न खोलें, उसे तत्काल डिलीट कर दें। ये मेरा आपको सुझाव है। जहां तक समाधान की बात है, हर जिले में साइबर सेल्स बने हुए हैं, आप वहां जाके कंप्लेन कर सकते हैं और इसको ट्रेस किया जा सकता है। ये कोई असंभव बात नहीं है, लेकिन पुलिस के पास जो संसाधनों की कमी है और इन केसेस की बढ़ती हुई संख्या है, दोनों के बीच इतना ज्यादा गैप होता जा रहा है कि इस प्रकार की चीजों को इंडिविजुअल केस के रूप में हैंडल कर पाना एक पुलिस के लिए चुनौती है। लेकिन उसके बाद भी आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि इस प्रकार के गैंग, इस प्रकार के कॉल सेंटर्स, इस प्रकार के रैकेट्स पकड़े जा रहे हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों की पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भी, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर बहुत से ऐसे गैंग पकड़े हैं जहां सेक्सटॉर्शन का ये पूरा धंधा चल रहा था। तो मैं नरेंद्र जी अपनी इतनी बात कह के अभी रुक रहा हूं और फिर आगे जैसा आप कहेंगे मैं पार्टिसिपेट करूंगा। बिल्कुल चतुर्वेदी जी, आपने बड़े विस्तार के साथ में हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को जानकारी दी है कि किस तरह से इस समय एक पूरा गैंग चल रहा है, सेक्सटॉर्शन का मामला लगातार आता चला जा रहा है। शुरुआत में जैसा मैंने भी जिक्र किया था, और इसमें तो ओल्ड एज से लेकर के हमारे एडोलसेंस के बच्चे भी सफर हो रहे हैं, लड़के और लड़कियां, मेल और फीमेल सभी सफर होते हैं, जैसे आपके पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं। आपने सुझाव भी बहुत अच्छा दे दिया कि सबसे पहला चीज तो हमें अनोन वीडियो कॉल से बचना चाहिए। वीडियो कॉल अपने लोगों के लिए है, अनावश्यक आप वीडियो कॉल ना उठाएं तो ज्यादा अच्छा है। और शुरुआत में जैसे कि पिछले एपिसोड में कहा था, शुरुआत में मैंने भी इशारा किया सूरज में मंजिल की बात को फिर कोट करूंगा, तनिक लालच में ना आए, या भी एक प्रकार का आपके सबकॉन्शियस माइंड से उत्पन्न हुआ एक लालसा उत्पन्न होती है जो लालच की ओर जाती है, और लालच के बाद में फिर आपको भय दिखाया जाता है और फिर आपका इज्जत और पैसा दोनों जाने का एक प्रकार से भय बना रहता है। दोनों को बचाने की आवश्यकता है। इसके पहले मैं और लोग मेहमान सर मेहनत जी, मैं आपके पास थोड़ा सा विलंब से आने का कोशिश करूंगा इस बार, मैं थोड़ा चलता हूँ इसके ऊपर। हमारा कानून के जानकार लोग क्या कहते हैं, तो हमारे पास में मैं महर्षि यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के डीन उपस्थित हैं अस्थाना जी। मैं अस्थाना जी आपके पास में आ रहा हूँ। आज का जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है, और वाकई में जैसा कि सुब्रमण्यम ने कहा या डॉक्टर चतुर्वेदी सर ने कहा कि ये जो बात है, जो ये मुद्दा है, ये लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि वाकई में मैं थोड़ा सा कानून के बारे में आऊंगा, जो पास्ट की बातें हैं, जैसा कि उन्होंने एग्जांपल्स दिए, खासकर जैसे कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग की, और वैसे तो मैं बताऊं कि इसमें कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, उनके ऊपर पॉइंट रखने की बात है, जरूरत है। और इसमें एक बार मेरे ही एक दोस्त हैं जो जोधपुर हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, और वहाँ से एक वो है कि सर आप दिल्ली में हैं तो फिर आपसे मुलाकात करवाता हूँ, और दोनों के बीच में एक बिजनेस डील हुई थी उनके जो क्लाइंट थे, और करीब करीब दिल्ली का वो आदमी था, और 75 लाख रुपए की डील हुई थी कुछ 1-2 साल में। और वो कहते रहा कि भाई ठीक है, हम अब आपको पेमेंट कर देंगे, करते करते, और जब वो नहीं पेमेंट आया तो देन जो बिजनेसमैन था वो दिल्ली आया, और दिल्ली में फिर उनको कोशिश की लेकिन फिर पकड़ में नहीं आया, तो थोड़ा सा हेल्प ली गई पुलिस की, और पुलिस की हेल्प लेने के बाद जब वो पकड़ में आया तो फिर वो कुछ दूसरी प्रकार के वो अपना हथकंडे अपनाना लगा। फिर वो उसने जो बिजनेसमैन था उसको अपने घर पे बुलाने की कोशिश की। अब देखिए कितने चौंकाने वाली बात है कि वो बिजनेसमैन तो जो पुलिस साथ में थी तो उन्होंने बोला नहीं अब जाओ मत, लेकिन किसी तरह से उसको इस तरह से किया गया कि भाई ठीक है वहां तक पहुंचे। और जब पुलिस ने देखा पाया उस घर में चारों तरफ कैमरे लगे हुए थे, और वो कैमरे ऐसे थे कि
एक एक चीज का रिकॉर्ड कर रहे थे और उनके ड्राइंग रूम में ही सब कुछ सेट था। और आगे फिर बात रही, फिर वहां से वो लोग पकड़ के लाए। बाद में ये पता चला कि वो पूरा ही घर, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे जो भी हो, पूरा उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह का उनका बिजनेस चल रहा है और पूरा ये रैकेट। और वो पकड़ा गया। बाद में फिर आगे जो भी है वो प्रोसिक्यूशन का मामला था। और दूसरा एक और भी चीज है कि जो जैसे कि मैम ने बताया, इसमें बहुत सारे गिरोह भी ऐसे हैं जो कि खासकर इस तरह के अटैक पे ऊपर काम करते हैं। और उनका प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होता है, उनका प्रॉपर गिरोह है कि हजार हजार रुपए, हजार हजार लोग किसी एक स्पेशली उसके ऊपर फोकस करते हैं कि इस एरिया को, इस लोगों को, इन लोगों को हमें फोकस करना है। और वो चीज धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि अटैक के ऊपर काम करती है। लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा और भी कहना चाहूंगा कि खासकर जो लोगों के पास, जैसे खासकर जो आज का आपका प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और सबसे ज्यादा इसमें बात होती है अवेयरनेस की बात। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी कुछ चीजें नहीं पता थी, तो कुछ जैसे अभी छोटे छोटे रील्स या वीडियो बन के आते हैं, तो यूट्यूब पर मैं एक दिन ऐसे ही देख रहा था, तो मुझे भी कुछ जानकारी मिली, खासकर मोबाइल से रिलेटेड। और मैं परेशान था ऐसा कि इतने ज्यादा उसमें अलर्ट आते थे कि आपको इतना सारा मिल चुका है, ये आप क्लिक करिए, वैसे करिए, और इस ऐप का अलर्ट, उसका अलर्ट, बहुत सारी चीजें आती थी। और फाइनली जब मैंने उसको ऑफ किया तो वो सारी चीजें एकदम ऑफ हो गई और मैं आराम से अपना जो भी है अपने मोबाइल के साथ काम कर सकता हूँ। तो ये बातें ऐसी रही कि अवेयरनेस की बात है। और वो अवेयरनेस खासकर जैसे आप मीडिया ग्रुप है, चाहे आपके पुलिस डिपार्टमेंट है, और या फिर हम सारे जो एकेडमिशियंस हैं या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज हैं, इस तरह का कहीं ना कहीं एक या तो वर्कशॉप हो या अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जिससे कि लोगों को खासकर ये पता चले कि इसको ऐसे करने से हमें डेंजर में डाल सकता है, हमें ऐसे प्रॉब्लम में डाल सकता है कि जहां पे हम बहुत सारी चीजें लॉस कर सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म तो बना हुआ है। मैकेनिज्म चाहे पुलिस के डिपार्टमेंट के साइड से हो, चाहे बैंक के डिपार्टमेंट के साइड में हो, चाहे फिर आपके गवर्नमेंट साइड से हो, वो लोग भी मैकेनिज्म अपना अपना रहे हैं। लेकिन इसमें खासकर जरूरत है कि कुछ पॉइंट्स के ऊपर, जैसे खासकर जिस सर ने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, मानता हूं, लेकिन फिर भी उसके पहले उनके ट्रेनिंग की जरूरत है कि जो निचले लेवल पे जो अटेंड कर रहे हैं उनको कम से कम ऐसे ट्रेन हो कि इमीडिएटली वो रिकॉग्नाइज कर सकें और लोगों को बता सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है, मुश्किल हो जाती है हमें कंप्लेन लॉस करने के लिए या रजिस्टर कराने में कि दैट ये आपका नहीं लग रहा है। फिर अगर अवेयर होंगे तो इमीडिएटली वेबसाइट पे जाएंगे और उस तरह से वहां भी वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसे ही दूसरी बातें हैं, जैसे खासकर जब सर ने स्टार्ट किया कि जहाँ पे एक मेथड है, जहाँ गैप है, वो खासकर जो जैसे क्लाउड की बात कर लीजिए, जहाँ पे कि हमारा जो सीक्रेट पार्ट है वो नहीं रह सकता या प्राइवेसी नहीं रह सकती है, वहां पर भी हमारे जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें वहां भी फोकस करने की जरूरत है कि ये जो 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 ये अपना सिक्रेसी है या प्राइवेसी है डेटा की, या प्रोटेक्शन है, डेटा प्रोटेक्शन है, वहां पे ये काम आ सके कि जहां से उनके जो डेटा है वो लीक ना हो। और खासकर आप जैसे रेगुलेशन या उसकी पॉलिसी की बात कहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा बैक उसमें ले जाऊं कि जैसे जब हमारा जब कंप्यूटर आया था उस समय हमारे पास कोई लॉ नहीं था, और एक तरह से जब यूएनओ का कन्वेंशन हुआ जिसमें कि मॉडल लॉ का इनिशिएशन हुआ, जब मॉडल लॉ बना और इसके बाद फिर हम धीरे धीरे कुछ कमेटियों के बदौलत या फिर जो रिकमेंडेशंस के बदौलत फिर हमने आईटी एक्ट 2000 बनाया, इसके बाद भी जब इतना तेज कंप्यूटर डेवलप होने लगा, जब इंटरनेट एक और ज्यादा एक्सप्लोर होने लगा, तो फिर हम आईटी एक्ट 2008 के में अमेंडमेंट करके पहुंचे, जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस है निकले, जिसमें पेनल्टी प्रोविजन है, पीनल प्रोविजन है, बहुत सारे चीजें लगाई गई।
और इसके बाद भी अब 2008 के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है और उनके ऊपर लॉज बनाने की जरूरत है, रेगुलेशंस बनाने की जरूरत है। हाँ ठीक है, बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स दिए कि इसमें ऐसा हो सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट या हाई कोर्ट का जजमेंट उतना सफाइस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें लॉज के ऊपर से ही उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे बहुत ज्यादा कुछ ये है कि उनके मैकेनिज्म को इस तरह से कंट्रोल करें कि जैसे ही इस तरह के हो, क्योंकि इसमें एक और भी बात है। ठीक है, हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, लेकिन उनको कैसे इमीडिएटली रिस्टोर किया जाए, वो पार्ट कहीं ना कहीं छूट जाता है, एक प्रोसेस है। वो इन सारी बातों के ऊपर मैं चाहूंगा कि अपने दूसरे पैनल्स भी, उनको भी समय दिया जाए और वो लोग भी बताएं, और आपने समय दिया और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे हूँ। थैंक यू डॉक्टर अस्थाना साहब। आपसे हमने कुछ पुरानी और जिस तरह से कंप्यूटर डेवलप हुई है, दो बातें आपकी मुझे समझ में आती है। अगर मैं सार निकालता हूँ, ये होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़े हैं, जितना हमारे पास में कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी पे, एक विज्ञापन आता था, तो जिस तरह से जी मोबाइल के माध्यम से दुनिया को मुट्ठी में करने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर उसके हिसाब से हमारी सरकारें लॉ बनाने में कहीं ना कहीं पीछे हो गई है। उस तेजी से हम लॉ नहीं बना पाए। और साथ ही मैं अगर चतुर्वेदी साहब की बात को समझूं तो कहें पुलिस भी उतनी स्किल्ड नहीं हो पाई है जितना कि ये साइबर हैकिंग करने वाले लोग और साइबर क्राइम करने वाले स्किल्ड हो रहे हैं। और बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले भी अगर जैसे मान लीजिए सर्ट का हम लोगों ने इसमें वो किया कि कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम का भी गठन किया, इसके बाद हमारे साइबर सेल्स डेवलप हुए, लेकिन इसके बाद भी बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि स्किललेस जरूरी होती है ट्रेनिंग देना या उनको उस तरह से अपग्रेड करना बिल्कुल कि जो हमारे हैकर्स हैं वो बहुत ज्यादा हमसे ज्यादा कहीं ट्रेंड है। बिल्कुल। चलिए कुछ स्टूडेंट्स लोगों को भी ले लेते हैं अपने बीच में। उत्कर्ष वर्मा जी पिछली बार भी थे। उत्कर्ष जी, क्या आप माइक अनम्यूट करेंगे कुछ अगर जिज्ञासा? पांडे जी मैं 1 मिनट जाना चाहती हूँ, अस्थाना जी से एक जी सवाल पूछनी जी जी शुभ्रा जी है। हाँ अस्थाना जी, जी मैं एक एक आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ जी कि ये जो लॉ आपने लॉ की जिक्र की, यू आर अ लॉ प्रोफेसर, आप ये बताइए व्हाई इज इट दैट दीज हैकर्स, मैं हम लोग जो भी वीडियो देखते हैं, हैकर्स आर नॉट वेरी ओल्ड, एक यंग एज ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनको जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का डर क्यों नहीं है? Why are they not scared? और आप एक जी बताइए, लेट मी कहते, दूसरी बात है, अगर अरेस्ट भी हो रहे हैं, जो वीडियोस दिखा रहे हैं, पुलिस जी ऑफिसर्स आर अरेस्टिंग देम, जी इनके लिए पनिशमेंट कितने दिन का है? आर दे मैम, गोइंग फॉर लॉन्ग पनिशमेंत या 3 साल का पनिशमेंट, या बेलेबल या नॉन बेलेबल, ये हमें बताइए। है तो दोनों चीजें हैं, अवेलेबल और नॉन अवेलेबल हैं। और इसके बाद इवन बहुत सारे चीजों में आप देख लीजिए कि एक हैवी पेनल्टी प्रोविजन भी है, और इसके बाद भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी है, जैसे सर ने बनाया कि भाई किसी को पर्सनली, किसी को जैसे डिफेम करना या वैसे करना, या किसी जो बिजनेसमैन है उनको, उनके बिजनेस को खराब कर देना, इस तरह की बातें करना। तो एक बात है इसमें मैं आपको ऐड करना चाहूंगा मैम कि नियर अबाउट 2011 में हमने बहुत बड़ा एक लीगल एड कैंप किया था, बिकॉज इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट अ लीगल एड कैंप ऑल्सो एंड लीगल लिटरेसी कैंप, और ये दिल्ली में था, और करीब करीब हमने 20,000 के करीब उस समय 2011 में लीडिंग न्यूज़पेपर्स में पैम्पलेट्स भी भिजवाए कि भाई ठीक है, इसमें जजेस, जुडिशियल ऑफिसर्स और पैनल लॉयर्स वगैरह सब लोग भी आ रहे हैं, और आप सभी लोग आए, जिसमें जिसकी भी जिस प्रकार की प्रॉब्लम हो और अपना आए, और जो भी है आपको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। और आप सभी के मैं बताऊं कि सरप्राइज करने वाली बात है कि उस दिन हम लोग वेट करते रहे कि भाई कोई भी एक ऐसा आदमी आए जिसको कि भाई कम से कम हम लोग अपने जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा कर सकें, लेकिन एक भी ऐसा नहीं आए जो कि हमसे कानूनी सहायता ले सकें। ठीक जी है, बहुत बड़ी बात रही, लेकिन अब इस चीज को हमको एनालिसिस करना था कि आखिर वाकई में ये बात हुई क्यों, कि इतने मास बेसिस पे हम लोगों ने सबको बताया
और कई महीने से ये हमारा प्रोग्राम चला। इवन जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उन्होंने भी इस तरह से करने की कोशिश की, लेकिन ये सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा। बाद में एनालिसिस के बाद ये निकला कि वो एरिया ऐसा था जो कि जिसमें क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा थे, और हाँ हाँ ये ये पता बात चला कि क्रिमिनल्स को जरूरत ही नहीं है किसी लीगल एड लेने की। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा सेटबैक्स रहा। और ये लोग, इन लोगों को इस तरह से पता रहता है कि इस तरह के कैसे किया जाए और किस तरह से इन चीजों को बचा जा सकता है। एब्सोल्युटली, जी जी मैम, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच से और भी पार्टिसिपेंट हैं, किसी को अपनी बात शेयर करना है? खास करके वो उत्कर्ष जी हैं रायपुर से, प्रतीक जी, अगर कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स पे भी आ सकते हैं, तो मैं उनको और बुला लूंगा स्पीकर में। मुस्कान नहीं, हेलो, हाँ वेरी गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। और अभी तक का सेशन तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा। इवन मैं समझता था कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता है साइबर क्राइम को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, बट ऑनेस्टली मुझे आज फिर से बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चली। सो मेरा एक क्वेश्चन है बेसिक सा कि अगर मान लीजिए, क्योंकि हमने ये देखा है कि आजकल के टाइम पे यूथ के साथ में भी बहुत ज़्यादा हो रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं जो प्रोन है वो हमारे पेरेंट्स की जो एज ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा प्रोन रहते हैं, क्योंकि वो उतना अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। कभी किसी का व्हाट्सअप कॉल आ गया, उन्होंने उठा लिया, कहीं उनके कोई पुराने दोस्त हैं, कहीं उनका तो नहीं आ गया। जब इस तरह से उनके साथ चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जनरेशन गैप की वजह से वो हमें नहीं बता पाते हैं ऐसी चीज़ें कि हमारा बच्चा क्या सोचेगा, और वो उसी दलदल में फंसते चले आते हैं। तो इस सिचुएशन से हम कैसे डील करें कि जब हमारे किसी क्लोज रिलेटिव के साथ ऐसा हो जाए बट वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को लेके। जी मैं अगर मुझे इजाजत दे सर तो मैं आंसर करना चाहूंगा। जी सर, इनका क्वेश्चन बहुत ही सही और सटीक है, और वाकई में ऐसे इस तरह से जागरूक होना जरूरी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको अपने विवेक से काम लेने की जरूरत है, डरिए मत। और जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर चतुर्वेदी सर ने, कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत एक्शन मत लीजिए। जैसे लिंक है, लिंक आप तुरंत आपने खोला, आप क्लिक कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जो वो है एप्स हैं उसको आप तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं। दूसरा आपका दोस्त कर रहा है, यार ये तो बड़ा अच्छा है, इसको ऐसे करना है, और तुरंत आपने डाउनलोड किया, और उसमें साथ साथ में इतने सारे छोटे छोटे वो सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जिनको कि आपके जितने भी वो है इंफॉर्मेशन है वो तुरंत एक्सेप्ट करके और वो पास ऑन कर सकते हैं, या फिर अलर्ट भेजते रहते हैं जहाँ पे क्लिक करके आप ओके करते हैं। ओके इन द फॉर्म ऑफ, जैसे आप ई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपने ई कॉन्ट्रैक्ट से उसको ओके कर दिया, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी कभी आप फ्लिपकार्ट या अमेजन के ऊपर ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं, वहां पर भी बहुत सारे मामले में ऐसे आया है कि जैसे आपका अमेजन है या फ्लिपकार्ट है वो डिनाई कर जाता है ये थर्ड पार्टी का वो एक्सेस है। और यहाँ पे हमें विवेक से काम लेने की जरूरत है और साहस रहने की जरूरत है। और सबसे पहले कि आप अपना जो भी कुछ हुआ है इंफॉर्मेशन तुरंत पुलिस को बताएं, और क्योंकि उसमें अब तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकी है, हो चुकी है, जहाँ पे कि आईपी एड्रेस ट्रेस हो जाता है, लोकेशन ट्रेस हो जाती है, जिससे कि पुलिस को बहुत ज्यादा सहूलियत मिलती है, सहायता मिल जाती है कि जो उन जो जो क्रिमिनल है उनको एक्सेस कर सके, उनको उनसे उनको पकड़ा जा सके। बिल्कुल सर, मैं इसी सोर्स से आईटी की भी बात आ रही है, जिस तरह से क्लोन बनाई जाती है। देवेश बंसल हमारे साथ में है, प्रो आईटी प्रोफेशनल है, थोड़ा सा देवेश के साथ में चल लेता हूँ, जुड़ लेता हूँ। देवेश जी, मेरी बात आ रही है आपके पास? या एक्चुअली टुडे आई एम ऑन अ लिसनिंग मोड, वेरी गुड इन्फॉर्मेशन आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस साइबर क्राइम। नथिंग मच टू कंट्रीब्यूट टुडे ऑन दिस टॉपिक, बट या आई एम गेटिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टुडे, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विच आई ऑल्सो डिडंट नो। ओके तो चलिए देवेश जी, अब आपके पास मैं चलता हूँ सुरेश मेनन जी के पास में, साइबर एक्सपर्ट हैं, काफी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, मुंबई बेस है। पूरी बात के बाद आप ही के, फिर पूरी बात का निचोड़ फिर सुरेश जी आप ही के पास आता है, लेकिन नया थ्रेड हमारे सामने है जिसमें सबसे अधिक जो सफर हो रहे हैं कहा जाए तो 45 से 55 के बीच के लोगों का केस ज्यादा है इस मामले में, क्योंकि वो शायद स्मार्टफोन को ठीक से हैंडल करना भी नहीं जानते,
लगता है कि चलो किसी करीबी का होगा और चलो फेस टू फेस बात करने का है तो वीडियो कॉल कर लेते हैं। लिंक कई बार उनसे गलती से भी दब जाया करता है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के दब रहे हैं, क्योंकि एक केस जो था वो तो ठीक है, लड़की को देख करके कोई आदमी है वो बाथरूम में जाता है, ठीक है वो सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी आई है रिपोर्ट में कि बंदे ने केवल फोन को ऑन किया है, सामने से लड़की अंजिप हो जाती है और उसके बाद में एक वीडियो बन जाता है और वो उसको वहां से थ्रेड देना चालू करते हैं। सुरेश मेनन जी, इस विषय पे थैंक यू पांडे, थैंक यू टू एवरीबडी। एक्चुअली ये जो आजकल सेक्सटॉर्शन हो रहा है, इट इज लाइक द अर्लियर स्पीकर सेड, इट इज हैपनिंग विद सीनियर सिटीजन्स, इट इज हैपनिंग विद यंगस्टर्स, इट इज हैपनिंग विद ओल्डस्टर्स, सबके साथ हो रहा है। इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे वी हैड अ यूनियन मिनिस्टर हु हैड टू फेस इट, प्रहलाद सिंह पटेल। राइट And of course, being a union minister, the action was taken very, very fast. The culprit was spoken, पकड़ा गया जल्दी। But actually, for the normal person, जब ये जो होता है, ये जो सफर है, we call it suffering. It is not suffering, it is हम सफर, because the family suffers, right? The family suffers. So इसके लिए it is very difficult. जैसा टेक्नोलॉजी है, the senior citizens especially, they were not born with this technology. द लेटेस्ट जो जनरेशन है, देवर बॉर्न विद द टेक्नोलॉजी। सो इसके लिए क्या करना चाहिए कि वेन यू आर हैंडिंग अ फोन टू द सीनियर सिटीजन, वेदर इट इज योर पेरेंट्स और हूसोएवर, आपको उसको कॉन्फिगर करके देना चाहिए जितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वाई मुझे क्यों मेरा कैमरा, किसी ने मुझे फोन किया व्हाट्सएप पे, वाई शुड माई कैमरा बी ऑलवेज बी ऑन, वाई कांट आई स्विच ऑफ माई कैमरा। जैसा प्राइवेसी और सिक्योरिटी होता है हर फोन में, उसको प्राइवेसी या सिक्योरिटी में जाके आपका कैमरा डिसेबल कीजिए व्हाट्सएप में। व्हाई डज व्हाट्सएप रिक्वायर माय कैमरा? ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। व्हेन आई वांट, जब मुझे चाहिए किसी से बात करना है, पहचान वाला हो, तो आई कैन एनेबल इट, राइट? वो चाहिए। जैसा आपने लिंक का बताया, अभी ये तो एक्चुअली सीनियर सिटीजन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बट मुझे जब लिंक मिलता है तो व्हाट डू आई डू, बिकॉज आई एम टेक्निकल, मैं वो लिंक को कट एंड पेस्ट करके मैं virustotal.com में लेके जाता हूँ। यूआरएल स्कैनर बोलता है, यूआरएल स्कैनर, यूआरएल स्कैन करते हैं, व्हाट इज दिस लिंक अबाउट। दूसरा, मैं अगर वो लिंक को अगर वर्ड पैड में, दिस इज लिटिल टेक्निकल, नॉट पॉसिबल बाय अ सीनियर सिटीजन डेफिनेटली, इट इज नॉट दैट इट इज नॉट पॉसिबल बाय ऑल सीनियर सिटीजन, देयर आर टेक्निकली पीपल हु कैन डू इट, अदरवाइज सो इफ आई कट एंड पेस्ट दैट लिंक एंड हमको बताया गया कि लिंक को प्रेस मत कीजिए, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। लिंक के पीछे क्या है, हाउ डू यू नो व्हाट इज देयर बिहाइंड द लिंक? वन इज यूआरएल स्कैनर्स, बहुत भर भर के है, बट इफ यू गो टू virustotal.com, इट इज फ्री, इट इज बिल्ट बाय गूगल, 52 कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड आर स्कैनिंग इट फॉर यू, कैस्पर्सकी, नॉर्टन, क्विकिन, वो स्कैन करके आपको बताता है इज इट सेफ और नॉट सेफ। दूसरा, आपको लिंक को कट एंड पेस्ट करके वर्ड या फिर आपको नोटपैड में लेके जाके आपको चेक करना है कि जैसा सर ने बताया, लिंक अगर प्रेस किया तो हो सकता है मैलवेयर होगा, इज देयर सम ईएक्सई फाइल्स, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कुछ है क्या उसमें, इज इट समवेयर मैलवेयर? मैलवेयर जैसा सर ने बताया, वो लिंक प्रेस करने से मेरा शायद डिवाइस पे की लॉगर इंस्टॉल हो सकता है। व्हाट इज की लॉगर? व्हाट एवर आई टाइप इज विजिबल टू द पर्सन हु इज इंस्टॉल्ड इट, मेरा यूजर आईडी, पासवर्ड, तो उसको मुझे क्या करना है, मेरा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मुझे एक्टिवेट करना है। भले यूजर आईडी और पासवर्ड इट इज इन द हैंड्स ऑफ योर हैकर, बट द सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन योर फोन, सो इट बिकम, आपको क्या करना है, हाउ टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर द फ्रॉडस्टर एंड द हैकर, उतना ही सोचना है। सो इफ द सीनियर सिटीजन इज टोटली नॉट कंफर्टेबल विद क्या बोलता है उसको, स्मार्टफोन, आज के जमाने में फोन स्मार्ट है, स्मार्ट सिटीज है, फ्रिज स्मार्ट है, सब स्मार्ट है, हमको छोड़ के सब स्मार्ट है, राइट? बिल्कुल तो अगर आपको, इफ द सीनियर सिटीजन इज रियली नॉट टेक्नोलॉजिकली सेवी, लेट ही और शी यूज अ फीचर फोन, लेट ही और शी यूज अ फीचर फोन, व्हेन द चिल्ड्रन आर देयर दे कैन स्विच ऑन द कैमरा, व्हेन देयर ओन कैमरा एंड स्पीक, सो यू आर मिटिगेटिंग द रिस्क, राइट? दूसरा, आज के तारीख में मैंने देखा, आपका इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है इनको? सिंपल थिंग, मेरा घर पे सीनियर सिटीजन है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, अमेजोन या XYZ कंपनी से ऑर्डर किया, हम क्या करते हैं, जब डब्बा के अंदर से सब जो आइटम निकालते हैं, डब्बा वी जस्ट थ्रो इट इन फ्रंट ऑफ द हाउस,
फॉर द सफाई वाला, वो सफाई वाला वही हमारा हमारा फंडा उधर ही हमारा रॉन्ग है। वो जो हमारा हमारा घर से जो कचरा उठाने को आता है हम उसको कचरा वाला बोलते हैं, वो कचरा वाला नहीं है, वो सफाई वाला है। हमारा कल्चर चेंज इज वेयर वी नीड, वो सफाई वाला है, कचरा हम करते हैं। सो जब हम वो पैकेट जब बाहर फेंकते हैं उसका एड्रेस निकलना चाहिए हमको, वी शुड एटलीस्ट रिमूव द एड्रेस। उससे आपका फोन नंबर, यू नो देर आर लॉट ऑफ हैकर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर हाउस विदाउट टचिंग टेक्नोलॉजी दे कैन हैक यू। यस 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 प्लीज कंटिन्यू। सो दीस आर द फ्यू थिंग्स, दीस आर ऑल द फ्यू थिंग्स। सर सर एक आप ही के बात से मेरे दिमाग में प्रश्न आया, वो लाइव है। आजकल हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर के आसपास में वो जो आप बोलते हैं ना कचड़ा वाला और कबाड़ी वाला जो आता है, आजकल एक और हाईटेक कबाड़ी वाला आ गया है। वो बोलता आपके घर में टूटा फूटा मोबाइल, कैलकुलेटर, रद्दी लैपटॉप अगर पड़े हैं आप हमें दे दो, हम उसके बदले में आपको बर्तन या कुछ देंगे। एक केसेस ऐसे भी आ रहे हैं। बीइंग अ सुपर एक्सपर्ट, अब इसके ऊपर आपका चाहिए या कुछ अभी कुछ महीनों से चालू हुआ है तरीके से, सालों से करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो मैं आता हूँ आपका क्वेश्चन पे, मैं आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं मेरा मोबाइल फोन मैं किसी दुकान वाले को देता हूँ, और हमेशा मैं जब हम लोग मोस्ट ऑफ अस जब उसको रिपेयरिंग को देते हैं तो वी डोंट गिव इट टू यू नो सैमसंग और एप्पल और समथिंग। हम लोग जो रस्ते पे बैठा होता है साइड में उनको देते हैं। तो उसका क्या करना चाहिए, डेटा निकलना चाहिए हमको। हाउ डू यू रिमूव द डेटा, यू कैन रिमूव डू अ फॉर्मेट, टेक अ बैकअप, बैकअप लेना है उसको, फॉर्मेट करना है उसके, अलग अलग वाइप्स बोलते हैं उसको, वो टेक्निकल हो गया, मिलिट्री वाइप, 60 बार वाइप कीजिए डेटा को निकल जाएगा। दूसरा यू नो आज के तारीख में जब भी व्हेनेवर आई एम हैंडिंग माय फोन, कबड्डी वाला हो या जो भी हो, भले इट इज नॉट वर्किंग, मेरे को मेरा सिम कार्ड निकालना है कोई भी मुझे यू नो, बिकॉज माई गूगल पे और UPI is associated with my phone. एक बात आपको याद रखना है, why are these hackers trying to put a malware, just malware, sorry, trying to take a remote access, आपका remote access to phone, आप ये link press कीजिए तो मेरा any desk or team viewer उसमें install होगा। क्यों? Team viewer or any desk is not a malware, it is a genuine legal software, but उनको उनका इरादा ये है कि वो download करने से आपका मोबाइल का पूरा दे गेट द फुल होल्ड ऑफ योर मोबाइल, बिकॉज आपका मोबाइल और hello, आपका hello. सिम, आपका मोबाइल और आपका सिम जुड़ा हुआ है, एंड दैट इज हाउ योर UPI इज वर्किंग। सो दे वांट टू टेक अ कंट्रोल ऑफ योर मोबाइल। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यू नो इफ यू वांट टू गिव इट टू एनी कबड्डी वाला और एनीथिंग लाइक दैट, आपको एटलीस्ट इफ इट इज ओल्ड फोन, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ हैमर, you know, on the old hard disks and all, what we used to do is take a hammer and a screwdriver and put it on the, open it, and jo bhi chip aapko bada dikhta hai usko just put it, so that it cannot be unused, because in forensics, in digital forensics, what we are saying is the data can be recovered, bhale aapne delete kiya ho, it can be recovered through forensics. So you want to make life difficult for the fraudster and the hacker, so these are the few steps by which you can, you know, make. Other than that, अगर आपके घर पे सीनियर सिटीजन हो एंड एज अ चिल्ड एज अ चाइल्ड यू नो यू आर नॉट देयर, आप एब्रॉड पे हो, सो आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, टाटा इज अ वेरी रिप्यूटेड कंपनी, टाटा इज अ वेरी रिप्यूटेड कंपनी, दे हैव अ एनजीओ कॉल्ड स्मार्ट गुड फेलोस, गुड फेलोस, गुड फेलोस। सो उनको क्या है, दे कम ऑन यू नो मंथली बेसिस एंड ऑल दैट, सो योर पेरेंट्स आर हैविंग प्रॉब्लम, यू नो दे कैन बी ऑन अ मंथली बेसिस इंटरेक्ट, दे टेक योर पेरेंट्स फॉर अ वॉक, okay, they take sit and talk to your parents, they take aapka technology unko malum nahi hai to they explain technology to your parents, so many things are there, but being short of time and allowing others to speak, I rest my case here, sir. Right sir, Srishti Yadav ji hai kuch sath puchna chah rahe the, Srishti ji. Yes sir, thank you sir for letting me speak here. So sir, main jaise ki अभी मेनन जी ने ही बताया कि हमें हैकर के लिए चीजों को मुश्किल बनानी है, तो इसमें सबसे आसान तरीका होता है जो लाइक आई एम नॉट अ वेरी टेक्नो सेवी गर्ल, तब भी मुझे पता चला दैट इज हमारे व्हाट्सएप में भी ऐसे सेटिंग्स होते हैं कि हमारे जो अननोन कॉल्स आएंगे वो वीडियो कॉल हो या फिर वो वॉइस कॉल हो, व्हाट्सएप कॉल आएंगे उसको हम उसको वो हमें डू नॉट डिस्टर्ब में चले जाएगा और वो हम हमारे पास आएगा ही नहीं, बस वो हमें नोटिफिकेशन में दिखाएगा कि एक कॉल आया था,
तो ऐसे में हम धोखे से कॉल भी नहीं उठाएंगे, तो सेटिंग में जाके हम उसको ये भी चेंज कर सकते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट ट्रू कॉलर, ट्रू कॉलर में भी ऐसे सेटिंग्स होते हैं कि अननोन कॉलर्स, अननोन नंबर्स को या ब्लॉक, जो स्पैम बहुत ज्यादा क्योंकि रजिस्टर्ड हो जाता है, अगर कोई नंबर को 50 से ज्यादा लोग स्पैम कर देते हैं तो वो स्पैम में चला जाता है, तो ऐसे नंबर ऑलरेडी आपके लिस्ट में ब्लॉक में आएंगे और नोटिफिकेशन आएगा कि इस नंबर से कॉल आया था। अब ये आपकी मर्जी है आपको वापस से कॉल लगाना है नहीं लगाना है, सेम विद व्हाट्सएप, सेम विद ट्रू कॉलर। तो ये सब सेटिंग बहुत लेमैन की, जैसे मैंने बताया मैं टेक्नोसेवी लड़की नहीं हूँ तब भी मुझे पता चला, एंड तो ये काफी ज्यादा एक हेल्पफुल चीजें हैं जो अभी भी हमारे इन चीजों में ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। इट जस्ट लाइक पीपल नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस कि कोई धोखे से भी फोन या कॉल्स किसी का ना उठाए। करेक्ट। तो आपको कॉल यहाँ किससे पे मिलना सर चाहिए ऑन द व्हाट्सएप? मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, या मैं प्लीज। कुछ बोलना चाहती हूँ सर। जैसे इन्होंने अभी अभी बोला है व्हाट्सएप एंड ट्रू कॉलर, एक चीज हम लोगों को याद में रखना चाहिए दैट इवन इफ इट इज ट्रू कॉलर और व्हाट्सएप, इवन इफ दे से कि ये पॉइंट टू पॉइंट एनक्रिप्टेड है साइबर लॉ के हिसाब से एंड ऑल्सो साइबर फोरेंसिक्स के हिसाब से, इवन मेनन साहब भी इसमें शायद एग्री करेंगे, देर इज नथिंग कॉल्ड यू नो एंड टू एंड इंक्रिप्शन, क्योंकि ये जो वेबसाइट वालों जो हैं इनके पास तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जा ही रहे हैं। सो इसके लिए व्हाट आई ऑल्सो फील इज दैट इवन इफ इट इज ट्रू कॉलर और व्हाट्सएप, इनके जो लाइक यू नो स्क्रीन के पीछे जो बंदे होते हैं, दैट मीन्स द इंजीनियर्स और द अदर पर्सन जो आर हैंडलिंग द डेटा, उनको भी थोड़ा रेगुलेशन, यू नो दे नो अबाउट द रेगुलेशन बट उनको भी यू नो टू ब्रिंग देम अंडर द रेगुलेशन, ये भी हमारे सिस्टम में है। सो वॉट एवर हु एवर इज डूइंग दिस लाइक यू नो ट्रिक्स, अप्लाइंग द ट्रिक्स एटसेट्रा, प्लीज रिमेम्बर दैट नथिंग इज फुल प्रूफ, एवरीथिंग कम्स विथ सम काइंड ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। सो हम लोगों को थोड़ा ध्यान से भी इन लोगों की इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर हल्दर जी, मैं आपके पास इसी के बाद ही आ रहा था इन्हीं विषय को लेकर के, कि क्योंकि आप लोग एक यूनिवर्सिटी में हैं और लॉ पढ़ा रहे हैं, लोगों को लॉ पे गाइड कर रहे हैं, मैं इसी पॉइंट को समझना इसलिए चाह रहा हूं कि जिस तरह से साइबर की एक्टिविटी चल रही है, ठीक है, कुछ बच्चे इस चीज को समझते हैं, जैसे कि अभी जिन्होंने बताया, इसमें से हमारे साथ के और हमारी उम्र के लोग जो दिन भर मोबाइल पर लैपटॉप में लगे हैं, उनको भी छोटी जानकारियां नहीं रहती हैं कि हम कॉल को एक्टिवेट कर दे, डीएक्टिवेट करो, कई बार नहीं भी हो पाता है, मगर ये घटनाएं घट रही है। मैं गलत कि इसके लिए सरकार के पास से या अवेयरनेस लाने के लिए हम क्या क्या और कदम उठा सकते हैं, वो आपसे मुझे समझना था, बींग ए लॉ प्रोफेशनल। जी जी लेट मी टेल यू दैट देखिए हमारे गवर्नमेंट से नहीं तो लाइक यू नो देर आर अदर नॉन गवर्नमेंट लाइक यू नो स्टेक होल्डर्स आर ऑल्सो देयर, यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो देयर, सभी के लाइक यू नो स्टेक होल्डर से ये एक माना जाता है कि से फॉर एग्जाम्पल जब अस्थाना सर ने भी जब बोला कि लीगल एड जो एक लाइक यू नो कैंपेन जो बिठाया गया है उसके जरिए भी हम लोग बेसिकली ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। उसके भी ऊपर लेट मी टेल यू दैट आई एम एसोसिएटेड विथ दिस लाइक यू नो साइबर क्राइम लाइक काउंसलिंग सर्विसेज फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली जो लाइक सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, से फॉर एग्जांपल फेसबुक जो अभी मेटा बन चुके हैं एंड उसके साथ साथ जो उसके जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है प्लस गूगल एज अ सर्च इंजिन एटसेट्रा, उनसे भी थोड़ा हम लोग लाइक यू नो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या उनके लाइक यू नो व्हाट आर द ट्रेंड्स ऑफ और व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज जो अभी चल रहा है और वो लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे कि सर ने बताया अबाउट द लैक ऑफ पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग सारे चीज लेके पुलिस के ऊपर ही डालते हैं कि आप कुछ नहीं करते हो, ये चीज गलत है, क्योंकि पुलिस कब कुछ कर पाएंगे जब ये वेबसाइट्स जो है इनके साथ कोऑपरेशन कर पाएंगे। ज्यादातर टाइम पे हम ये भी देखते हैं क्योंकि ये वेबसाइट्स जो है ये दीज आर एक्चुअली होस्टेड आउटसाइड इंडिया, सो कभी कभी ये भी होता है कि दे क्लियरली टेल कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। और इसके पीछे एक चीज और भी है कि हमारे पास ऐसा कोई भी ट्रीटी नहीं है, इंटरनेशनल ट्रीटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे ये जो लेटर ऑफ रोगेटरी नहीं तो जो भी कुछ लाइक यू नो जो क्रिमिनल जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चलाना होगा ये सब कुछ हम कर सकते हैं, स्पेशली फॉर स्पेसिफिक साइबर क्राइम्स, एक्सेप्ट कुछ साइबर क्राइम्स ऐसे हैं जो लाइक यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मान के चलते हैं, जैसे कि टेररिज्म की एक्टिविटीज है, जैसे कि क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी एटसेट्रा एटसेट्रा है। तो हमारे लिए यही एक चैलेंज बन जाता है कि कैसे हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट करते कर सकते हैं और किसके लिए, जैसे कि सभी लोगों ने यहाँ पे बोले हैं कि अवेयरनेस फॉर से फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे कुछ सेमिनार्स वेबिनार्स और अवेयरनेस मटेरियल्स भी बन रहे हैं
जहाँ से स्टूडेंट्स को हम लोग और नहीं तो यूथ को भी हम लोग अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस फॉर द अदर स्टेक होल्डर्स, से फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और फॉर एग्जाम्पल द पुलिस, और फॉर एग्जाम्पल दिस काइंड ऑफ टेक कंपनीज, इनके लिए भी हम लोग अवेयरनेस लाइक यू नो कैंपेन कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि यू नो उनके प्लेटफॉर्म पे क्या क्या हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम उनके उनके लॉ के हिसाब से, क्योंकि वो तो ज्यादातर यूएस लॉ के हिसाब से वो चलते हैं, लेकिन वो जब हमारे यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आते हैं, दैट मींस दैट यू नो व्हेन दे आर बिल्डिंग अप अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन सब्सक्राइबर्स, उनको किस लॉ के अनुसार चलना पड़ता है. तो इसके हिसाब से आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो 2021 में आया था, और उसके बाद 2022 2023 में भी लाइक यू नो बहुत सारे पॉलिसीज एक्सेट्रा आ रहे हैं, एंड अभी तो हम लोग सभी डिजिटल लाइक यू नो बिल, डिजिटल इंडिया बिल, उसके प्रतीक्षा में हैं. तो ऐसे कुछ लॉ को लेके भी हम लोग उनके पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो भाई आप हमारे कंट्री में अगर ये बिजनेस कर रहे हो, हमारे कंट्री में अगर आप ऑपरेशन चला रहे हो, तो आपको हमारे लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा, विच मीन्स दैट आपके वहां पे जो भी कोई क्रिमिनल कंटेंट जो क्रिएट हो रहा है, आपके वहां पे जो भी कोई क्रिमिनल प्रोफाइलर जो बैठे हुए हैं, क्रिमिनल प्रोफाइल वाला जो बैठे हुए हैं, दैट मीन्स वही सब कुछ हैकिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपको पता है, आपको हमारे पुलिस को, हमारे क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन को वो देना पड़ेगा. आई डू अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसके लिए इन्हीं सब जो हम जो बात कर रहे हैं यही सब काफी नहीं है, तो इसके लिए बेसिकली वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्कूल्स, वी आर गोइंग टू अबव ऑल यूनिसेफ, क्योंकि यूनिसेफ जो है वो बेसिकली दे कैन मैंडेटरीली गो फॉर सम काइंड ऑफ अवेयरनेस बिल्डिंग ऑल्सो, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ भी उनको फोर्स कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसे अवेयरनेस मटेरियल्स है और आप सभी को शेयर करूँ. तो मैं बेसिकली मैं खुद बोल रही हूँ, माई आई पर्सनली आई हैव वर्क विथ यूनिसेफ, आई एम ऑल्सो वर्किंग विथ यूनिसेफ फॉर जनरेटिंग सर्टन काइंड ऑफ लाइक यू नो अवेयरनेस मटेरियल. उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी के साथ भी मैंने काम कर चुकी हूँ, और यहाँ पे कुछ जो पैनलिस्ट जो है शायद वो लोग भी यहीं पे है, लाइक एनसीईआरटी के जो पैनल जो था वहां पे भी ये लोग थे. तो एनसीईआरटी के पैनल में सॉरी एनसीईआरटी के प्लेटफॉर्म में अगर आप जाके कुछ ऐसे अवेयरनेस यू नो जनरेट करो, क्रिएट करो, तो उससे क्या होगा, बच्चों स्पेशली फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड जो जो जूनियर सेक्शंस में है उनसे लेके जो 12th स्टैंडर्ड में है, उनको सभी को ये सूचित किया जा सकता है कि भाई ऐसे चीजें मत करो, जो भी हमारे पैनलिस्ट्स ने जो भी बताया है, ऐसे चीजें मत करो, ऐसे चीजें करो. और उसके साथ साथ जो भी अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली क्रिएटेड इन मल्टीलिंगुअल लाइक यू नो प्लेटफॉर्म्स, मल्टीलिंगुअल सिस्टम्स आल्सो, इनके माता पिता, इनके घर वाले, इनके जो भी कुछ रिश्तेदार होंगे उनके पास भी ये जा रहा है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी यहाँ पे देना चाहती हूँ, एनसीईआरटी के अभी जो भी मटेरियल्स बने हैं हम लोगों ने क्रिएट भी किया था, तो वो मैंने देखा है कोई स्कूल में ऐसा कुछ लाइक यू नो शेयर किया गया था, तो उस स्कूल से जड़ित जो लाइक यू नो जो स्टूडेंट्स जो हैं उनके माता पिता ने भी मेरे को फोन करके बोले हैं कि भाई आपने, आप लोगों ने जो बनाया है वो हम बस हम ही नहीं देखे हैं, हमारे घर पे जो मेड्स है, हमारे घर पे जो अदर सर्विस प्रोवाइडर्स है, हम लोगों ने उनको भी शेयर किया. दैट मीन्स पीयर टू पीयर शेयरिंग भी हो सकता है. तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है कि हम लोगों को स्टेक होल्डर्स ढूंढना पड़ेगा, और वो स्टेक होल्डर्स बहुत ही आसानी से मिल सकता है, जैसे कि सर ने अभी बोला कि घर के सामने जो सफाई वाले आते हैं, अगर उनको भी पता लाइक यू नो चल जाते हैं कि नहीं, पुराने मोबाइल्स अगर हम लोग लाइक यू नो खरीदते हैं तो उसका कुछ लीगल इम्प्लीकेशंस है, आप ऐसे उसको नहीं ले सकते हो, और जो 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 विक्रेता जो होता है, दैट मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग दैट फोन, अगर उनको भी पता चलता है कि हाँ पुराने फोन को ऐसे हम दे नहीं सकते बिकॉज इट इज गोइंग विद द डेटा, शायद हमारा हमारा जो ग्रास रूट लेवल जो अवेयरनेस बिल्डिंग हो सकता है वो तो डेफिनेटली बन ही सकता है. इसके साथ साथ बिल्कुल मैं और भी एक चीज बताना चाहती हूँ, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्पेशली लॉ स्कूल्स में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये साइबर अवेयरनेस, साइबर लॉ के बारे में भी पता चले. बिल्कुल कैसे ये पता चल सकता है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइबर लॉ पढ़ाती हूँ, मैं यहाँ पे सीनियर प्रोफेसर हूँ, मेरे यूनिवर्सिटी में मैं सीनियर प्रोफेसर हूँ, तो मैं बस लॉ के डिपार्टमेंट में ही नहीं, मैं बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जाती हूँ, तो वहां पे मुझे लाइक यू नो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मुझे मिल जाते हैं, जिनको जो लोग स्मार्ट है, जो लोग ओवर स्मार्ट है, स्पेशली व्हेन वी टॉक फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ लाइक यू नो साइबर क्राइम, साइबर अवेयरनेस एटसेट्रा, तो उनको जाके भी हम लोग पूछताछ करते हैं कि यू नो व्हाट डू यू नो एंड व्हाट वुड यू लाइक टू शेयर. तो उसके बाद शेयरिंग के टाइम पे भी
हमें मालूम पड़ जाता है कि उनको क्या पता है क्या पता नहीं है, तब भी हम लोग उन लोगों को भी कुछ अवेयरनेस देते हैं और उन लोगों को हम लोग एक्चुअली बिल्कुल इनवाइट डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर हलदर जी, मैं थोड़ा सा यहाँ जी पे रुक करूंगा और मैं जी साइबर लॉ के ऊपर में आगे भी बात करेंगे, लेकिन फिर से थोड़ा लौटूंगा और हमारे बीच में एक गेस्ट और आ चुके हैं, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ, 2 मिनट के लिए गुप्ता जी मैं आपके पास आऊंगा। उसके पहले मैं वापस चल रहा हूँ चतुर्वेदी जी के पास में। डॉक्टर चतुर्वेदी जी, अक्सर केसेस ये भी आते हैं कि कोई बंदा जो है वो तो वेबसाइट को खोल के देख लिया और कंप्लेन आई और उसको परेशानी इस बात की होती है कि पूरा समाज या परिवार उसको लगाता है, यार तुम तो ना वो पोर्न साइट देखते होगे इसलिए इस तरह की तुम्हें फोटो और वीडियो आई है। अब बेचारा एक तरफ तो उधर लुटा, मेंटल परेशान हुआ उसके ऊपर से उसके दोस्त, और उसने कभी पोर्न साइट खोली भी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश चतुर्वेदी जी आपसे, फिर मैं डॉक्टर गुप्ता जी के पास चलूंगा। जी हम लोग शायद बात करना चाहते हैं कि ये जो टारगेट्स हैं ये कैसे आइडेंटिफाई होते हैं साइबर स्पेस में, कि किसके पास जाना है, किसको टारगेट करना है। तो जी जैसा अभी डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग बड़े कैजुअल हैं अपनी आइडेंटिटी लीव करने में। हम एक्सपोजिशंस में जाते हैं, हम फेयर्स में जाते हैं, हम जहां हमें अपने नंबर अपनी आइडेंटिटी शेयर नहीं करनी चाहिए वहां भी हम शेयर करते हैं। ये एक नॉर्म बन गया है सोसाइटी में मूव करने का। हमें केयरफुल रहना चाहिए कि हमको कहाँ अपनी आइडेंटिटीज अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लीव करने हैं और कहाँ नहीं करने हैं। एक महत्वपूर्ण बात इससे इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। हमारे लॉ के प्रोफेसर्स हैं यहाँ पर, वो केस के बेसिस पर या सर्वे के बेसिस पर इसे देख सकते हैं जरूर। लेकिन जो हम लोग का अनुभव है कि जो फ्री साइट्स हैं, जैसे ई कार्ड्स की जो साइट्स हैं जहां आप ई कार्ड भेजते हैं, यद्यपि अब उसका प्रचलन काफी कम हो गया है, मैं 5 साल 7 साल पहले की बात बता रहा हूं, लेकिन ऐसी साइट्स जहां पर आपको एक लेवल के बाद अपने कुछ क्रेडेंशियल्स शेयर करने पड़ते हैं। बात फिर आएगी पोर्नोग्राफिक साइट्स पर, आएगी डेटिंग ऐप्स पर, आएगी या मैसेजिंग ऐप्स पर आएगी, जहां पर आपको अपने कुछ डिटेल्स साझा करने होते हैं, तभी आप नेक्स्ट लेवल पर जा पाते हैं और आप बड़े कैजुअली इसको शेयर कर लेते हैं और वो डेटा बराबर बनता रहता है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए, जो अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, सुकृति ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हमें क्या सिक्योरिटी सेटिंग्स रखनी चाहिए अपनी और कैसे हम अपने आप को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। हम पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं और हम एक बड़ा बेसिक सा एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहते हैं कि हम सभी ने अपने जीवन में किसी स्टेज पर साइकिल चलाना सीखा होगा। पहला थ्रिल हमारे लाइफ का हुआ करता था कि हम साइकिल चलाना सीखते थे। तो साइकिल चलाना अपने आप में एक पूरा मॉड्यूल होता था। साइकिल पर बैठना, कोई पुश करता था, पैडल चलाना, उतरना, ये सारे लर्निंग के स्टेप्स होते थे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि साइबर स्पेस में अधिकांश चीजों के लिए हम समझते हैं कि हमें किसी लर्निंग की जरूरत है ही नहीं। किसी ने कोई ऐप बताया, अभी एक पैनलिस्ट ने कहा भी कि कोई भी ऐप बताकर हम उसे इंस्टॉल करते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ और क्या क्या चीजें हम एडिशनल ले रहे हैं जो हमारे लिए घातक हो सकती हैं। मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो विक्टिम्स हैं वो वल्नरेबल क्यों होते हैं। अभी आपने शुरुआत में ही भय की बात की थी, ग्रीड की बात की थी। मैं उसमें एक पक्ष और जोड़ना चाहता हूं जो मेरे अनुभव के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण है, और वो है हिप्नोटिज्म, सम्मोहन। हम समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत समझदार हैं, और ये जो सम्मोहन हिप्नोटिज्म है ये फिजिकल वर्ल्ड में भी है और डिजिटल वर्ल्ड में भी है। फिजिकल वर्ल्ड में नॉर्थ इंडिया में एक टर्म यूज होता है, टप्पेबाजी। टप्पेबाजी का मतलब कि आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए विचलित किया और आपके साथ अपराध कर दिया। आप रेड लाइट पर खड़े हुए थे, कहा कि बाबूजी आपकी गाड़ी से पेट्रोल चू रहा है, गिर रहा है, आप उतरे देखने के लिए, आपका लैपटॉप और फोन गायब हो गया। ये क्या है? आपका ध्यान बांटा। यही चीज डिजिटल स्पेस में भी होती है। ओटीपी शेयर करना कुछ सेकेंड्स का ध्यान बांटाना होता है, जो
इंश्योरेंस के फ्रॉड्स होते हैं, उसमें महीनों तक आदमी उलझा रहता है इसमें कि अब हम थोड़ा और पैसा देंगे तो हमें और ज्यादा पैसा वापस मिलेगा, या लॉटरी के फ्रॉड्स हैं वो इसी प्रकार के फ्रॉड होते हैं कि अलग अलग नामों पर आपसे पैसा लिया जाता है, आप सम्मोहित रहते हैं काफी लंबे समय के लिए। और तीसरी बात जो है वो अनऑथराइज एक्सेस की है, जो साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में या साइबर क्राइम का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, आइडेंटिटी थेफ्ट या अनऑथराइज एक्सेस। इसके लिए हमें जरूर सावधान रहना चाहिए। आजकल आपको बैंक में खाता खुलवाना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो, बहुत सी ऐसी जगह जहां आप अपना आधार देते हैं, जहां आप अपने क्रेडेंशियल्स देते हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध और अपील है कि आप हमेशा उस आधार या उसको दो लाइन से स्ट्राइक करें जहां नंबर न कटे, उसकी बॉडी कट जाए, और वहां आप लिखें कि ये आधार आपने इस प्रयोजन के लिए दिया है, तब आप उस पर दस्तखत करें, तो बहुत हद तक आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सेफ रख सकते हैं। हमारा जो हिप्नोटिज्म वाला पार्ट है, मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे पास केसेस आते हैं उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लीडिंग डॉक्टर्स, ये सारे मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि सामान्य लोगों से इनका बौद्धिक स्तर काफी ऊंचा माना जाता है, लेकिन ये सारे के सारे लोग उसी ट्रिक में, उसी कॉन्फिडेंस में मार खा जाते हैं और अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि बार बार ये बात हो रही है कि पुलिस ट्रेंड नहीं है या पुलिस कम है, मैं अपनी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि हमारा कांस्टेबल, हमारे साइबर सेल का कांस्टेबल जितनी जानकारी और अनुभव रखता है उतना उसके पीयर ग्रुप का जो प्राइवेट कंपनी का आदमी होगा उसके समतुल्य आदमी होगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उसे न उतना अनुभव होगा न उतनी प्रैक्टिकल जानकारी होगी। हम बड़े से बड़े कठिन से कठिन केसेस को वर्कआउट कर रहे हैं, रिकवरीज करा रहे हैं, और साथ ही साथ उस पूरे मोडस ऑपरेंडी को डिस्कस कर रहे हैं पुलिस फ्रेटर्निटी में, जिससे न केवल एक प्रदेश में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी उसका लाभ मिल सके। तो ये मैं दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूं। आज इस बात पर चर्चा शायद छूट रही है कि अगर हम इससे ग्रसित हो जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं बहुत संक्षेप में आपका ध्यान चाहता हूं कि जैसा हमने आरंभ में ही कहा कि ये अपराध कई श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, तो मैं फिर अपनी बात पे वापस आता हूं कि अगर आपके पैसे का नुकसान हुआ है, कहीं आपको मनी लॉस हुआ है, तो पहला काम आपको करना चाहिए कि आप 1930 पर कॉल करें, ना आप पुलिस के पास जाएं, ना आप बैंक के पास जाएं, ना अपने क्रेडिट कार्ड इश्यूअर इंस्टीट्यूशन के पास जाएं। पहला काम आपको करना चाहिए 1930। आप सभी की कॉमन जानकारी के लिए 1930 भारत सरकार का एक ऐसा इनिशिएटिव है जहां एक ओर सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस राउंड द क्लॉक 24/7 जुड़े हुए हैं, और दूसरी ओर पुलिस की जितनी भी इकाइयां हैं वो जुड़ी हुई हैं। जब आप वहां कंप्लेंट करते हैं, आपसे डिटेल्स मांगे जाते हैं, फर्ज कीजिए कि आपका ए बैंक में अकाउंट है और आपसे फ्रॉड करके बी बैंक में आपका आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कराया गया है, तो बी बैंक का नोडल जो राउंड द क्लॉक अवेलेबल है उसको बताया जाएगा कि इतने बज के इतने मिनट पर तुम्हारे बैंक में ए बैंक से पैसा ट्रांसफर हुआ है, इसको होल्ड कर दिया जाए। ये काम इसीलिए आपको इमीडिएट करना चाहिए कि बी बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के बाद परपेट्रेटर उस पैसे को निकाले, इसके पहले वो पैसा होल्ड हो जाए, सीज हो जाए, जिससे कि ये निर्धारित होने के बाद कि आपके साथ धोखा किया गया है आपका पैसा वापस मिल सके। जो दूसरी कैटेगरी के क्राइम्स हैं जहां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर कोई के माध्यम से कोई अपराध होता है, वहां मेरा सुझाव होगा, मैं फिर अपनी यंगर जो हमारी सुझाव देने वाली महिला थी जिन्होंने कहा था कि अपनी सिक्योरिटी सेटिंग का ध्यान रखिए, तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें सिक्योरिटी की सेटिंग है। फेसबुक, एक सेकंड समय दीजिएगा। फेसबुक बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। फेसबुक पर आपका जो अकाउंट खुला हुआ है, आप उसके राइट साइड पर जाइए, तीन डॉट्स हैं, उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए, आपके पास सिक्योरिटी सेटिंग आ जाएगी। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हैं तो आप तय कीजिए कि आपसे कौन संपर्क कर सकता है। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं हैं तो आप ये संपर्क कीजिए कि कौन आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। ये सारी सावधानियां बरतने पर बहुत सी चीजें अपने आप साफ हो जाएंगी।
जहां पर साइबर क्राइम और फिजिकल क्राइम मिलाकर आपके ऊपर कोई अटेम्प्ट किया गया है, वहां निश्चित रूप से आपको लोकल पुलिस के पास जाना चाहिए। साइबर सेल हर जिले में, भारत के हर जिले में बने हुए हैं, जो सक्षम हैं आपके केसेस को सॉल्व करने के लिए, और वो आपको मदद करेंगे। तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बहुत पांडे जी, मैं डॉक्टर चतुर्वेदी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जी शुभ्रा जी, स्टेक होल्डर्स की बात देवावृति बात कर रही थी, व्हाई आर वी नॉट इन्वॉल्विंग द बैंक पीपल? जब पैसे तुरंत निकल रहे हैं और बैंक से निकल रहे हैं, बैंक लोग आंख बंद करके बैठे हुए हैं। हमें कहना है, मैं आपकी एक चतुर्वेदी में एक चेक देती हूँ 40,000 का, तो मेरे पास आता है शुड वी रिलीज दिस चेक? जब मैं हाँ कहती हूँ तब वो चेक रिलीज होता है, पर जब इस तरह का आता है इंफॉर्मेशन तो वो बैंक वाले निकालते पैसे चले जा रहे हैं। हमें कहना है कि बैंक को भी सजग करना चाहिए, बैंक लोगों को भी कहना चाहिए कि इस तरह से जब पैसे 40,000, 50,000, 60,000 एक साथ निकल रहा है, व्हाई योर पीपल आर नॉट स्टॉपिंग? आपको नहीं लगता है कि यहाँ भी जरूरत है? ये भी एक लिंक है, इसलिए लिंक में ये जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी का विषय है। बैंक का कहना ये होता है, हम लोगों ने आरबीआई तक मीटिंग की इसके बारे में बात करने की। मैं यूपीएसटीएफ में रहा, 15 साल तैनात रहा, मुझे मौका मिला इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर बात करने का और मीटिंग्स में सहभाग करने का। मैं विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि बैंक का स्टैंड ये होता है कि ये एक टेक्निकल फैसिलिटी है जो आपको टूल के रूप में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के रूप में दी गई। इसको उपयोग करना आपको आता है या नहीं आता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितनी विशिष्टता के साथ, कितनी क्लैरिटी के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर बैंक के दिए हुए नॉर्म्स का बिना पालन किए हुए आपने उसका उपयोग या दुरुपयोग किया, तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, ना कानूनी रूप से जिम्मेदार होता है, और न जो बैंक के रेगुलेशंस हैं उसके आधार पर वो इसके लिए जिम्मेदार होता है। मैं यहाँ एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि बैंक का प्लेटफॉर्म फिजिकल और डिजिटल दोनों के लिए ओपन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती, तो फिजिकल प्लेटफॉर्म बैंक का खुला हुआ है। अगर आप ईज के लिए डिजिटल मीडियम को इस्तेमाल कर रही हैं, तो आपको उसकी सुरक्षा के बारे में समुचित जानकारी होनी चाहिए। जितने भी अपराध हो रहे हैं, मेरे पास अभी बहुत छोटी सी जो उसका विंडो है, उसके अलावा ये जानकारी में नहीं आया इतने लंबे अनुभव में कि बैंक का इन्वॉल्वमेंट हो, बैंक के कर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो। ये बहुत कम केसेस में ऐसा मिलता है, और वहाँ इंडिविजुअल्स जो हैं बैंक के सिस्टम का लूपहोल निकालकर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि इसके लिए हमें खुद सजग होना होगा, हमें अधिक ट्रेंड रहना होगा, हमें अधिक अवेयर रहना पड़ेगा। और मैं फिर से दोहराता हूं कि दो शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अवेयर और अलर्ट। जब हम किसी बात को जानेंगे, अवेयर होंगे, हमारे जेहन में होगा, हमारे मस्तिष्क में होगा, हमारी याददाश्त में होगा, तब हम उसके प्रति अलर्ट होंगे। जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी तो हम अलर्ट होंगे। तो आज जिस ट्रेनिंग की बात डॉक्टर हल्दर कर रही थी अभी, तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि हम एक ओर लोगों को अवेयर बनाएं और दूसरी ओर लोगों को अलर्ट बनाएं। जब इसका प्रॉपर कॉम्बिनेशन होगा तो मैं समझता हूं कि लोग सुरक्षित रह पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात कि अवेयर और अलर्टनेस जरूरी है, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। बात कही आपने और भी, भय, लालच और सम्मोहन, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति में व्यक्ति रहता है, कहीं ना कहीं उसका ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चलते हैं। मेरे बीच में डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, रायपुर से हैं। आप हैं तो एलोपैथ के डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, हमारे शहर राज्य के जाने माने व्यक्तित्व हैं, लेकिन अभी कुछ चर्चित है वो वैदिक विज्ञान को लेकर के, और माइंड और ब्रेन पे लगातार काम कर रहे हैं। तो मैं उनको भी लेके समझता हूँ एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में, माइंड और ब्रेन के चक्कर में माइंड कैसे हावी हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे हो रहा है, और भय लालच के साथ में सम्मोहन अगर हावी हो जाए तो बचा कैसे जाए। डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, मैडम है कोई सैमसंग का है, मैडम मैं आपके पास आऊंगा, मैं अनिल जी को ले लेता हूँ, देन आई विल कम बैक टू यू।
थैंक यू डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार सर, मैं अरविंद सर को सुन रहा था और अरविंद सर की दोनों ही बातों से मैं एग्री कर रहा हूं। पहला चीज जो सर ने कहा हिप्नोसिस के बारे में, और दूसरा जो सर ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। यस, बिल्कुल, हम सबको इन सब चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना होगा, तभी हम बच सकते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं साइबर क्राइम की, हैकिंग की और हाईजैकिंग की, ये कैसे हो रहा है? इसके थ्रू हो रहा है, या लैपटॉप के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू। लेकिन एक सॉफ्टवेयर हमारे अंदर है जिसको हाईजैक किया जा रहा है, जिसको हिप्नोटाइज किया जा रहा है, जिसके द्वारा हमें हैकिंग मोबाइल के थ्रू की जा रही है। यह है माइंड का सॉफ्टवेयर। साइकोलॉजी में या मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं ब्रेन एक कंप्यूटर है, माइंड एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन वैदिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि हमारे पास दो सॉफ्टवेयर हैं, एक माइंड का सॉफ्टवेयर और एक बुद्धि का सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्ट का सॉफ्टवेयर। और ये जो माइंड का सॉफ्टवेयर है, इसकी प्रोग्रामिंग केवल दो लैंग्वेज हैं, पेन और प्लेजर, यानी लालच और डर। और ये जो हाईजैकिंग हो रही है, ये माइंड की ही हो रही है। जो भी साइबर अटैक कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल को हैक नहीं कर रहा है, वो आपके माइंड को हैक कर रहा है। और माइंड को हैक करके आपको कुछ ना कुछ लालच दे रहा है या कुछ डर दिखा रहा है, और उसके बाद फिर आपको वो हिप्नोटाइज कर रहा है। पुराने समय में जो हिप्नोसिस का तरीका होता था, वो पेंडुलम दिखाया जाता था और कंफ्यूज करके फिर उसके माइंड में डाल दिया जाता था कि यहां पर फियर है और आप सारे गहने मुझे दे दीजिए, सेफ रहेगा। ये तरीका बहुत पुराना हो गया है। अब क्योंकि ये 21st century है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और ये हैकिंग सिस्टम और हिप्नोसिस का पेंडुलम हमारे पास में है, अब जो हाईजैकर हैं, जो हैकर्स हैं, वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं, उन्हें वो पेंडुलम घुमाने की जरूरत नहीं है। वो मोबाइल के थ्रू आपको कुछ न कुछ लालच दिखाते हैं और कुछ न कुछ डर दिखाते हैं। और जो कॉन्शियस माइंड होता है वो हमें मना करता है, वो कॉन्शियस होता है, वो हमें हाईजैक नहीं होने देता। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड लालच और डर, पेन और प्लेजर में चलता है, इमीडिएट वो हाईजैक होगा। देखिएगा हम कब हाईजैक होते हैं, जब हमें कुछ लालच दिखाया जाता है। ये लैपटॉप, इतना सा लैपटॉप जिसके अंदर सारे फीचर्स हैं, ये 5,000 रुपए में मिल रहा है। आपका इंटेलेक्ट भी बताता है और आपका कॉन्शियस माइंड भी बताता है कि हो ही नहीं सकता, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से दिखाई गई है, रिव्यूज इतने सारे डाले हुए हैं कि आपको लालच आ ही जाता है, वो क्लिक कर देते हैं और वो 5,000 चले जाते हैं और कुछ लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं मिलता। लॉटरी का लालच बोल लीजिए या पोर्नोग्राफी का लालच बोल लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई ना कोई लालच या कोई डर कि आप अगर ये नहीं करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आप ये OTP जनरेट कीजिए, आपको वापस से आपका बैंक अकाउंट शुरू हो जाएगा, या डर दिखाएंगे या लालच दिखाएंगे। और ये माइंड जब हाईजैक हो जाता है तो इमीडिएट, तो कौन से माइंड ज्यादा हाईजैक हो रहे हैं? जैसे अरविंद सर ने कहा, पढ़े लिखे लोग जितने ज्यादा स्मार्ट हैं, जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, उतना ही ये ओवरलोडेड है, और कहीं ना कहीं उन्हें हाईजैक करना आसान है। एक गांव देहात का इंसान जिसे कुछ पता ही नहीं है, ना वो लालच में आता ना वो डर में आता, उसके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं है। आज जो स्मार्ट लोग हैं, हम जैसे लोग, हमारे पास मोबाइल भी ओवरलोडेड है इंफॉर्मेशन के द्वारा, एप्स के द्वारा, और माइंड भी ओवरलोडेड है। स्ट्रेस माइंड, ओवरलोडेड माइंड को हाईजैक करना ज्यादा आसान है। इसीलिए अब जो वैदिक विज्ञान कहता है, वो कहता है इंटेलेक्ट है आपके पास, बुद्धि है आपके पास, लेकिन हमारी बुद्धि हमें बार बार बताती है कि नहीं, यहां पर गलत है। क्योंकि इंटेलेक्ट का जो लैंग्वेज है, जो प्रोग्रामिंग है, वो है राइट और रॉन्ग। जब भी कोई हाईजैकर या कोई हैकर हमें कुछ देता है ना, एक अंदर से छोटी सी आवाज आती है, वो बताती है ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, कोई भी चीज जितना उसका प्राइस है उससे कम में नहीं मिल सकती। ये हमें हमारा इंटेलेक्ट बार बार बताता है, लेकिन माइंड जो है, मंकी माइंड, पागल बंदर, वो तो लालच में आ ही जाता है। तो ऐसे में वैदिक विज्ञान बोलता है कि हमें इस सम्मोहन से भरी दुनिया में अपने आप को कॉन्शियस रखना है, कॉन्शियस माइंड को खुला रखना है। यानी कैसे इस सम्मोहन से भरी दुनिया में होश पूर्वक रहा जाए, पहला चैलेंज ये है। और दूसरा है कि हमें अपने माइंड को ओवरलोडेड ना करके लेस इंफॉर्मेशन रखा जाए, मिनिमलिज्म। इसके अंदर भी मिनिमम ऐप और यहां पर भी मिनिमम इंफॉर्मेशन, राइट नॉलेज, एक्यूरेट नॉलेज चाहिए। जैसे आज के सेशन में एक्यूरेट नॉलेज की बात हो रही है, राइट इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। और मेडिटेशन, मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। जो व्यक्ति मेडिटेट करते हैं, उनकी एक इंटेलेक्ट अपने आप एक्टिव हो जाती है, उनके अंदर विवेक बुद्धि एक्स्ट्रा एक्टिव होती है, सुपर कॉन्शियस माइंड होता है, वो उनको इन चीजों से बचा के रखता है, वो इस झांसे में नहीं आते
यहाँ लालच दिख रहा है, उन्हें पता है कि नहीं ये सब चीजें मेरे काम की हैं ही नहीं, तो मैं क्योंकि इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आज बैठे हुए हैं साइबर क्राइम पे और एज ए होलिस्टिक मेडिसिन कंसल्टेंट, मैं इसी तरीके से कहना चाहूंगा कि हमें अपने माइंड को मिनिमलिज्म कॉन्सेप्ट में रखना है। एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन मेकिंग अस क्रेजी, एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी मेकिंग अस लेजी। तो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी दोनों को कॉन्शियसली यूज करें। दूसरा मिनिमलिज्म, लेस इंफॉर्मेशन, लेस एप्स, लेस इंफॉर्मेशन, लेस स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस माइंड और ओवरलोडेड माइंड को हाईजैक करना सबसे आसान होता है, और मेडिटेशन जिसके द्वारा हम अपनी इंटेलेक्ट को एक्टिव कर सके। बस इतना सही कहना चाहूंगा सर। धन्यवाद डॉक्टर अनिल गुप्ता जी। चाहे गाड़ी ओवरलोड हो और चाहे माइंड ओवरलोड हो, दुर्घटनाएं तो घटेंगी, अच्छा है बैलेंस होकर के चला जाए। नहीं मैं तो अभी सुन रही हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा कहना है कि मैं अपना प्रोग्राम अपना करियर स्टार्ट की 1974 और तब से मैं आज तक क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कर रही हूँ एज अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर चतुर्वेदी जानते हैं, पुलिस लोग जानते हैं। अभी भी मैंने अलॉन्ग विथ मिस्टर सुरेश मेनन एक आर्टिकल लिखी है जो मैं लोगों को पब्लिश करना चाहती हूँ ऑन यू नो रिलेशनशिप रिलेशन में क्रिमिनल ऑफेंडर रिलेशन, साइबर क्राइम का क्रिमिनल ऑफेंडर रिलेशन। तो आप लोग जो भी बता रहे हैं वो मेरे लिए खुराक हो रहा है, फूड फॉर थॉट हो रही है, पर मैं हर समय यही सोच रही हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट कि क्रिमिनल्स अनलाइक अदर क्रिमिनल्स, डॉक्टर चतुर्वेदी विल अग्री कि ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं दे आर यंगर इन एज, दे आर इलिटरेट, दे आर कमिंग फ्रॉम पुअर होम्स, दे आर अर्जेंट्स, पर ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने जो है टेक्नोलॉजी को क्रॉस करते चले जा रहे हैं, जबकि विक्टिम्स का विक्टिम ऑफेंडर रिलेशन में विक्टिम्स देखेंगे कहाँ जा रहे हैं। तो मैं जब प्रोफाइल करती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि वेर हैव आई फेल्ड, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग मैंने बहुत की, बहुत मर्डरर्स वगैरह सबके किए हैं, हैबिटेड क्रिमिनल्स के किए हैं, पर इनका जो है पता नहीं कहाँ पे एंड होगा। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि क्रिमिनल जस्टिस एंड लॉ शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट, देयर शुड बी फियर इन दीज पीपल, देन ओनली दे विल स्टॉप। अदरवाइज हम प्रोग्रेस मांगते हैं, टेक्नोलॉजी का ग्रोथ मांगते हैं, साइबर सिक्योरिटी भी मांगते हैं। Me as an energy and me as a criminal psychologist and the first criminal psychologist in India, आज मैं भी डरी हुई, बहुत डरी हुई हूँ, मुझे पता नहीं कौन वाला कौन कहाँ पे हिट मरेगा, हैक हो गया। तो ये चीजें जो है मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अलर्ट हो इस मामले, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और हम लोग इसको करते रहेंगे। आई थिंक देवारुति हैज एन एनजीओ जो वो चलाती है, जैसे शी हैज नॉट मेंशनड हियर। मैं डॉक्टर सुब्रा जी, मैं अब वापस देवती हल्दर्द पर चलूंगा और लास्ट कमेंट है, टाइम भी आज काफी ज्यादा हो गया है क्योंकि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इतनी सारी आ रही थी कि मैंने किसी को इसलिए आज रोकना नहीं समझा, मैं कहा कि एक फ्लो में चल रहा है तो चलने दिया जाए सबको, क्योंकि मैटर ही कुछ ऐसे आ रहे थे और इतना संजीदा इतना सेंसिटिव टॉपिक रहा है ये, क्योंकि मैंने भी जब इस पे जब चतुर्वेदी सर का मेरे पास में बातें आई कि नरेंद्र जी हमको इस विषय पे बात करना थोड़ा सा अच्छा होगा, तो मैंने भी सर्च करना चालू किया तो मुझे बहुत सारी जानकारियां मिलने पर आई। और जब मैंने मैडम ये जो अपना टेम्पलेट बना के जब मैंने डाला कि इस विषय पे हम बात करेंगे, तो मुझे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में तो काफी कोने से मेरे पास फोन आए और मेरे कुछ पुलिस के जो मित्र यहाँ पे IPS वगैरह, मैंने चतुर्वेदी जी भी उनका जिक्र किया था कि इन इन लोगों ने भी कहा कि यार पांडे जी बहुत अच्छा आपने ये टॉपिक लिया हुआ है। मैडम आप अपना फोन सैमसंग नंबर मोबाइल है, आप अपना फोन को अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपको कॉपी का वेट कर रहा हूं। अब अनम्यूट हो गया है। जी जी थैंक यू। हाँ अब आवाज आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं डॉक्टर शोभा विजेंद्र हूँ और मुझे ये जो पूरी कन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जरूरी लग रही है। मुझे अपना कमेंट इसलिए करना जरूरी था क्योंकि मैं भी एक एनजीओ रन करती हूँ जिसका नाम है संपूर्णा, एंड मोर ओवर मैं गेस्ट लेक्चरर हूँ NFSU कैंपस के अंदर। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतने सारे केसेस मेरे पास यंग गर्ल्स के, बुजुर्गों के और यंग बच्चों के आ रहे हैं और हाउस वाइफ्स के आ रहे हैं, जिसके अंदर वो इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हैं, चाहे उन्होंने साइबर क्राइम के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से या अन्य अन्य कारणों से वो इतनी बुरी तरह फंस चुकी हैं। किसी ने 40,000 अपने खो दिए, किसी ने 50,000 अपने खो दिए, कोई अपना मोबाइल एक मिनट के लिए ऑन करता है उसको कोई ऐसी फोटो आ जाती है जिसको वो बिल्कुल देखना नहीं चाहते, डर लगता है, वो ट्रैप के अंदर फंस चुकी है यंगर्स।
मेरा यहाँ पे ये सबमिशन है, आप बहुत ही अच्छे सारे स्पेशल लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये जो सारी इतनी बड़ी हमारी जो ह्यूज पॉपुलेशन है विच इज यूजिंग द इंटरनेट, जिसको इंटरनेट के बारे में सच में बता रही हूँ कुछ भी नहीं पता है, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जो लास्ट में बोला कि कई बार जो बड़े कंफ्यूज्ड माइंड्स हैं दे हैव यू नो मोर नॉलेज और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और वो समझते भी हैं, कहीं ना कहीं रहता है कि हम हमें ज्यादा पता है, वो लोग फंसते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि द जनरल पॉपुलेशन जो बहुत ही साधारण है और मोबाइल यूज करना एक जरूरत भी बन गई है, ये लोग भी बहुत ज्यादा फंस रहे हैं और ये दे आर नॉट एबल इवन टू कम्युनिकेट। और जब वो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं उसके बाद वो किसी संस्था के पास जाते हैं या साइबर क्राइम्स के पास के वाले के पास जाते हैं। मैं आपको फ्रेंकली स्पीकिंग, दिल्ली जैसी जगह के अंदर किसी को ये नहीं पता है कि अगर साइबर क्राइम हो गया तो हमें कौन से नंबर पे फोन करना है। तो मैं बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, आप सब इतने एक्सपर्ट्स लोग हैं, कुछ ऐसे हमारे कैप्स्यूल कोर्स जरूर होने चाहिए जो हम आम लोगों को, चाहे वो बुजुर्ग हैं। अब आप बताइए, एक मेरे सामने एक बुजुर्ग आए 80 साल के जो इतने निराश और हताश सुसाइडल हो रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने एक अपना मोबाइल 4 बजे एकदम व्हाट्सएप पे कॉल आई और उस कॉल को जब उन्होंने व्हाट्सएप पे खोला तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक ऐसी फोटो आ गई और फोटो के बाद लगातार उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। वो किसी को बताने लायक नहीं थे, उनको लगा मैं अपने पोता पोती को, अपने लोगों को, अपनी बहू को मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। माई सबमिशन है ओनली दिस मच कि यस स्टूडेंट्स नो बेटर, जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं दे आर रियली स्मार्ट, दे समटाइम्स दे नो एवरीथिंग, लेकिन ये जो जनरल पॉपुलेशन है स्पेशली जो मैंने आपको कैटेगरी बताई है, हाउस वाइफ्स हैं, बुजुर्ग हैं और जो ऐसे बच्चे हैं जो यंग बच्चे हैं जो शायद अभी जितना स्मार्टफोन को इतना नहीं जानते हैं, तो एक ऐसा कैप्सूल कोर्स जरूर तैयार होना चाहिए सारे स्कूल्स में, सारी कम्युनिटी में, एनजीओस के माध्यम से, जिसको ये ज्यादा से ज्यादा जाने, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल शोभा जी, समय कुछ ज्यादा ही हो रहा है पांडे जी, मैं 1 मिनट का समय लूंगा। बिल्कुल सर, इस कमेंट्स के बाद में आना ही था और कोर्सेस भी लाएंगे। मैं इसके पहले कहूं कि हमें आप सबका सहयोग चाहिए, चाहे डॉक्टर चतुर्वेदी जी आप हैं, डॉक्टर हलदर जी हैं, डॉक्टर अस्थाना जी हमारे साथ हैं, सुरेश मेनन जी, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता और नो डाउट डॉक्टर सुब्रा सान्याल जी। ये फोरम हमने शुरुआत करी है लेकिन इसे शायद लंबे समय तक चलाने की आवश्यकता है और बिना आप लोग के सहयोग के, बिना अनुभव के नहीं चल पाएगा। क्योंकि जो कि अभी शोभा जी ने कहा है वह सही है कि कई लोग आज इंटरनेट चला रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है इंटरनेट के बारे में। और सर मैं तो ऐसी जगह पे हूँ और ऐसी जगहों पे जाता हूँ, आज ही अनिल जी के साथ में घूम रहा था, बताया कि मैं तो जब फॉरेस्ट एरिया में जाता हूँ, जो सर आप छत्तीसगढ़ आए हैं चतुर्वेदी साहब, नक्सलाइट एरिया में जाके देखते हैं, वहां भी लोग मोबाइल को चला रहे हैं और वीडियो कॉल पे ज्यादा बात करते हैं, ऐसे लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो शायद एक अवेयरनेस प्रोग्राम की आवश्यकता होगी। चलिए सर, आप एकदम कमेंट्स करेंगे और मैं 2 मिनट का ही समय इस पर दे पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। चतुर्वेदी साहब, मैं केवल कमेंट कर रहा हूं जो अभी मैडम ने बात कही कि दिल्ली जैसी जगहों पर भी लोगों को नहीं मालूम कि किस नंबर पर कॉल करना है, तो मैं डॉक्टर गुप्ता की बात का सहारा लेता हूं कि हमारे दिमाग में इतनी अधिक इन्फॉर्मेशन है कि खाना ज्यादा बच जाए तो किस नंबर पर कॉल करें, बिल्ली घायल हो जाए तो किस नंबर पर कॉल करें, हवा ज्यादा चले तो किस नंबर पर कॉल करें, तो जो काम की बात है वो हम बहुत बार भूल जाते हैं। तो बिल्कुल मैं उनकी बात का सहारा लेता हूं कि एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट डिजायरेबल और इसीलिए हम हिप्नोटाइज या हम कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं। मैं डॉक्टर सान्याल की बात पर भी रिएक्ट करना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि इस बात को देखना चाहिए कि आखिर ये यंग बच्चे क्यों कर रहे हैं। तो मैडम मैं कहना चाहता हूं कि फिजिकल वर्ल्ड में जो बच्चे रोड पर मोटरसाइकिल का स्टंट करते हैं, जो उनकी फीलिंग, जो उनका जील होता है स्टंट करने में, जो उनको प्लेजर मिलता है, ठीक वही प्लेजर साइबर स्पेस में उन यंगस्टर्स को मिलता है जो हमारी सिक्योरिटी को ब्रेक करते हैं, उनको एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है कि गवर्नमेंट ने, किसी बहुत बड़ी कंपनी ने, किसी निगम ने सिक्योरिटी के जो नॉर्म्स बनाए उसको हम ब्रेक कर सके। और यही लोग जब संगठित हो जाते हैं तो उनको लूपहोल समझ में आते हैं और वो अपराध करते हैं, गंभीर अपराध करते हैं, संगठित अपराध करते हैं और समाज के साथ साथ पुलिस के लिए भी एक बड़ी समस्या पैदा करते हैं। धन्यवाद। चतुर्वेदी, मैं डिसएग्री कर रही हूँ थोड़े देर के लिए, सॉरी टाइम, ये अभी पांडे जी मेरी तरफ देखेंगे, टाइम निकल रहा है।
थोड़ी देर के लिए डिसएग्री कर रही हूँ। बात क्या है कि ये लोग अपने आप नहीं कर रहे हैं, आप जानते हैं, मेरा भी क्रिमिनोलॉजी नॉलेज बताती है, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं, इनके ऊपर कुछ लोग हैं, देयर इज अ लिंकेज, इसको मत भूलिए, इग्नोर करिए, देयर आर बिग पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रेनिंग देम, ब्रिंगिंग देम टुगेदर। अगले सेशन पे लेंगे और चतुर्वेदी जी भी रहेंगे, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं, जिस तरह आप इशारा कर रही हैं, उस पर बात करेंगे कि ये इतने ऑर्गेनाइज्ड क्यों हैं और इतने इस बात को पुलिस भी समझ रही है और उनको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, ये भी बात पुलिस को भी पता है और हमको भी पता है, क्योंकि हमारे साथ में कुछ जर्नलिस्ट भी आज बैठे हुए हैं, हालांकि वो बोलना नहीं चाह रहे हैं और मैंने उनको रोक रखा है कि आपको ज्यादा नहीं बोलना है उनका भी समय आएगा, लेकिन लेकिन इस विषय पे चतुर्वेदी साहब हम आगे जरूर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं डालूंगा डॉक्टर अस्थाना जी के पास में, कि जो कि शोभा जी का प्रश्न आया कि एक अवेयरनेस का प्रोग्राम है और इस पे कुछ पॉइंट्स होना चाहिए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, कुछ नियमों के बारे में बताना चाहे। डॉक्टर देवव्रत जी बोल रही थी कि इस तरह से क्लासेस ले रही, ठीक है, आपके आप यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसे चीजें बना करके हम सोशल मीडिया के माध्यम से या स्कूलों में या कैंपेन में चलाया जा सकता है क्या, और कैसे इसको डिजाइन किया जाए, लॉ के ऊपर प्रश्न कर रहा हूँ सर मैं। स्थाना जी, हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये सारा कुछ जो है, क्योंकि हमें मासेस तक पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, सिर्फ यही नहीं है कि हम लिटरेट पीपल के पास हैं और लोगों के पास जिनके पास के स्मार्टफोन है या वैसे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो इसका माध्यम यही है कि जो खासकर जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे अपने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और हम लॉ प्रोफेसर्स के जो वो हैं, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है या पुलिस डिपार्टमेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं जिनमें हमने साइबर सेल को और जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाया है, लोगों को बताया कि पहली बात तो ये क्राइम होता कैसे है और इसके नुकसान क्या क्या हैं, और दूसरा इनका कि इसके करने से इनके ऊपर पनिशमेंट कितनी है, अगर ये जानकारी लोगों तक पहुंचे तो खासकर कम से कम ये चीजें रुक जाएंगी, और जो चीज होने वाले हैं जिसको जिनको कि अगर अवेयरनेस मिलेगा तो वो चीजें भी वहीं पे रुक सकती हैं, जिससे कि आगे का इस तरह से क्राइम ना हो। जी थैंक यू। तो ये है प्रोग्राम था, इसलिए मैंने इस मंच का नाम दिया है सर लाइफ कैंपस, यह लाइफ का एक कॉलेज है, एक मंच है, जहां पे हम उन बातों पे बात कर रहे हैं जो कि आपको स्कूल और कॉलेज में कम बताई जा रही है या बिल्कुल ही नहीं बताई जा रही है, इसलिए हमने यहाँ मंच चालू किया लाइफ कैंपस। लेकिन पिछली बार से जो बातें आ रही, जितनी आप समझ रहे थे, कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ रही हमको अपने मस्तक पे दस्तक देने की, इसलिए पूरे मंच का नाम मैंने अब कर दिया है मस्तक पर दस्तक, क्योंकि सब कुछ ठीक यहीं से होना है साहब। तो इसलिए अब आगे जुड़ते रहिए लाइफ कैंपस के यूट्यूब चैनल पे और इस मेरे प्रोग्राम पे देने के लिए अपने और लोगों के मस्तक पे दस्तक। अगले शुक्रवार यह कार्यक्रम फिर चालू रहेगा। मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि जो आज आपके पास में लिंक मिला है, जो आईडी पासवर्ड मिला है, वह अगले प्रोग्राम पे भी कंटिन्यू रहेगा। अगर किसी के पास किसी कारण से आईडी पासवर्ड नहीं पहुंच रहा है तो आप इसी को सुरक्षित मानकर रखें, या सर आप लोग भी हैं अगर इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो कर दीजिए, मैं आईडी पासवर्ड नहीं चेंज करूंगा, ना ही लिंक चेंज करूंगा, ना ही समय चेंज होगा, ना ही दिन भी वही रहेगा, शुक्रवार शाम 7 बजे प्लेटफॉर्म लाइव कैंपस, प्रोग्राम का नाम मस्तक पर दस्तक। तो सर आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा, इतने बहुमूल्य समय पे आप लोग आए हैं और आगे भी सर आते रहिए, क्योंकि आप जैसे अनुभवी लोगों की इस समाज को बहुत आवश्यकता है, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं साइबर क्राइम के। जल्दी नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा मैं नरेंद्र। मैं भी जो है सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत हार्टफेल्ट थैंक्स, क्योंकि मैं सबको रात बिरात जब भी मर्जी, सुरेश मेनन जी को तो 9 बजे भी कर लेती हूँ, चतुर्वेदी जी से थोड़ा डरती हूँ, तो मैं जो है सब लोगों को रिक्वेस्ट किया, देवारोती एंड अस्थाना जी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मीटिंग यू ऑल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा उद्देश्य है, देखिए हम लोग सन्नास करते हैं, देवारोती अग्री करेगी ऑल, एंड सिंपोजियम्स करते हैं, पर वो कमरे में कर रहे हैं, वहाँ यंग स्टूडेंट्स नहीं जा रहे, कॉमन पर्सन नहीं जा रहे,
ये हम लोग फेसबुक यूट्यूब में ले जा रहे हैं जहाँ लोग सुन रहे हैं और लगातार इन लोगों का आ रहा है कि वी आर बेनिफिटिंग, यही मैं चाहती हूँ। और यहाँ पर मुझे जो है पांडे जी ने मदद किया कि हाँ मैडम विल कम फॉरवर्ड एंड विल हेल्प यू, आई डिजाइन एंड आई इनवाइट यू ऑल एंड मैं इंसिस्ट करती हूँ कि अगर तुम लोग मुझे कुछ भी दे सकते हो फॉर ऑल द वर्क आई हैव डन, प्लीज गिव योर सपोर्ट। सो विद दीज वर्ड्स आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिमेन कनेक्टेड, हम लोग के साथ रहिए। नेक्स्ट फ्राइडे और एक ग्रुप को हम तैयार करेंगे, ले आएंगे टू डिस्कस ऑन दिस। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड नाइट टू एवरीबॉडी। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू, वेलकम सर, गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार।